हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं इस वीडियो में फिल्म की जो रोचक बातें हैं, जैसे कि फिल्म का डेवलपमेंट, कास्टिंग, फिल्मिंग एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और लोगों के द्वारा दिया हुआ रिव्यूज़ और उनका क्या कहना है इस फिल्म के बारे में और ये फिल्म किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई है और थिएटर पर कब तक रिलीज़ की जाएगी और OTT प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन कब तक दिखी जाएगी और YouTube पे अवेलेबल है या नहीं, इन सारी बातों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिले। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैंने इस वीडियो में मूवी को बहुत अच्छे से रिव्यू किया है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो फिर शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। बीस्ट 1 2022 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्में जो नेल्सन द्वारा लिखित और निर्देशित है। फिल्म में विजय, पूजा हेगड़े और सेल्वरागवन हैं। यह एक पूर्व रॉ एजेंट के इर्द गिर्द घूमती है जो आतंकवादियों द्वारा एक शॉपिंग मॉल में बंधक बनाए गए लोगों को छुड़ाना चाहता है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो विजय वीरा राघवन के रूप में जो एक पूर्व रॉ फील्ड ऑपरेटिव है, पूजा हेगड़े प्रीति के रूप में वीरा की प्रेमिका और रामचंद्रन की पूर्व मंगेतर है, अल्ताफ हुसैन वीरा के रूप पूर्व सहयोगी और उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में सेल्वरागवन है, उमर सेफ के रूप में अंकुर विकल मॉल हाईजेक समूह का नेता है और उमर फारूक का भाई, शाजी चेन गृह मंत्री के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के डेवलपमेंट के बारे में, तो जनवरी 2020 में मास्टर 2021 में निर्माण के दौरान विजय ने कथित तौर पर कलानिधि मारन की सन पिक्चर्स द्वारा समर्थित अपनी अगली परियोजना के लिए हस्ताक्षर किए।
जिसमें वेट्टई करन 2009, सूरा 2010 और सरकार 2018 के बाद उनके साथ सहयोग किया, जबकि मागीज थिरुमेनी, एस शंकर, सुधा कोंगाराम, पंडीराज आर, अजय न्यानमुदु और वेलिमारन को शुरू में फिल्म का निर्देशन करने की सूचना मिली थी। मार्च 2020 में एक सूत्र ने दावा किया कि ए आर मुरुगदासन ने विजय को अस्थायी रूप से थलपति 65 शीर्षक से निर्देशित करने की योजना बनाई थी। इस परियोजना के अप्रैल 2020 के अंत तक उत्पादन में प्रवेश करने की सूचना थी, जो नहीं हुआ। इस थमन को मई 2020 में संगीत तैयार करने के लिए अंतिम रूप दिया गया था, जो विजय के साथ उनका पहला सहयोग होगा। वही बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में, तो 10 फरवरी 2021 को चेन्नई में सन टीवी नेटवर्क के कार्यालय में थलापति 65 का एक परीक्षण शूट आयोजित किया गया था। 31 मार्च 2021 को फिल्म को औपचारिक पूजा समारोह के साथ सन टीवी स्टूडियोज में लॉन्च किया गया था। हालांकि पूजा हेगड़े अपने व्यस्त कार्यक्रम के कारण लॉन्च के समय उपस्थित नहीं थी। 2021 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के बाद विजय और नेल्सन 7 अप्रैल 2021 को फिल्म की शूटिंग शेड्यूल के लिए जॉर्जिया गए थे। वही बात करें मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो 150 करोड़ के उत्पादन बजट के मुकाबले मूवी ने 250 करोड़ की कमाई की है। वही बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज़ के बारे में, तो बीस्ट को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली है। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटेन टोमेटोज पर 8 आलोचक की समीक्षकों के आधार पर फिल्म को 4.9 out of 10 के औसत स्कोर के साथ 38% की अनुमोदन रेटिंग मिली है। द किट कोई सौंदर्य अतिमुतु ने कहा कि बिस्ट न तो नेल्सन की फिल्म है और न ही विजय की फिल्म है, यह अच्छा है लेकिन सबसे अच्छा संयोजन नहीं है। जहां नेल्सन विजय प्रशंसकों को अधिक संतुष्ट करने की कोशिश करता है और विजय नेल्सन की अजीब दुनिया में फिट होने की कोशिश करते हैं। वही बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में, तो बीस्ट 13 अप्रैल 2022 को पुतंडू वाले सप्ताह में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। तमिल के अलावा फिल्म के हिंदी, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में डब संस्करण थे। तमिलनाडु के वितरण अधिकार रेड जायंट मूवीज के पास है। तेलुगु संस्करण श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस, सुरेश प्रोडक्शन और एशियन सिनेमास द्वारा वितरित किया जाता है। मलयालम संस्करण मैजिक फ्रेंड्स द्वारा, कन्नड़ संस्करण अधीरज एंटरप्राइजेस द्वारा और हिंदी संस्करण एफओ मूवीज द्वारा वितरित किए जाते हैं। बात करें मूवी के होममेडिया के बारे में, तो बीस्ट को 11 मई 2022 को सन NXT और नेटफ्लिक्स दोनों में तमिल में हिंदी, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में डब संस्करणों के साथ स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध कराया गया था। बीस्ट एक 2022 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जो नेल्सन द्वारा लिखित और निर्देशित है। फिल्म में विजय, पूजा हेगड़े और सेल्वरागवन हैं। यह एक पूर्व रॉ एजेंट के इर्द गिर्द घूमती है, जो आतंकवादियों द्वारा एक शॉपिंग मॉल में बंधक बनाए गए लोगों को छुड़ाना चाहता है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो विजय वीरा राघवन के रूप में, जो एक पूर्व रॉ फील्ड ऑपरेटिव है। पूजा हेगड़े प्रीति के रूप में वीरा की प्रेमिका और रामचंद्रन की पूर्व मंगेतर है। अल्ताफ हुसैन वीरा के रूप पूर्व सहयोगी और
उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में सिलवारा गवन हैं। उमर सेफ के रूप में अंकुर विकल मॉल हाईजेक समूह का नेता है और उमर फारूक का भाई। शाजी चेन गृह मंत्री के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के डेवलपमेंट के बारे में तो जनवरी 2020 में मास्टर 2021 में निर्माण के दौरान विजय ने कथित तौर पर कलानिधि मारन की सन पिक्चर्स द्वारा समर्थित अपनी अगली परियोजना के लिए हस्ताक्षर किए, जिसमें वेटाईकरण 2009 सूरा 2010 और सरकार 2018 के बाद उनके साथ सहयोग किया, जबकि मागीज थिरुमेनी एस शंकर सुधा कोंगारा पंडीराज आर अजय न्यानमुदु और वेलिमारन को शुरू में फिल्म का निर्देशन करने की सूचना मिली थी। मार्च 2020 में एक सूत्र ने दावा किया कि ए आर मुरुगदासन ने विजय को अस्थायी रूप से थलपति 65 शीर्षक से निर्देशित करने की योजना बनाई थी। इस परियोजना के अप्रैल 2020 के अंत तक उत्पादन में प्रवेश करने की सूचना थी, जो नहीं हुआ। इस थमन को मई 2020 में संगीत तैयार करने के लिए अंतिम रूप दिया गया था, जो विजय के साथ उनका पहला सहयोग होगा। वही बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो 10 फरवरी 2021 को चेन्नई में सन टीवी नेटवर्क के कार्यालय में थलापति 65 का एक परीक्षण शूट आयोजित किया गया था। 31 मार्च 2021 को फिल्म को औपचारिक पूजा समारोह के साथ सन टीवी स्टूडियोज में लॉन्च किया गया था। हालांकि पूजा हेगड़े अपने व्यस्त कार्यक्रम के कारण लॉन्च के समय उपस्थित नहीं थी। 2021 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के बाद विजय और नेल्सन 7 अप्रैल 2021 को फिल्म की शूटिंग शेड्यूल के लिए जॉर्जिया गए थे। वही बात करें मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो 150 करोड़ के उत्पादन बजट के मुकाबले मूवी ने 250 करोड़ की कमाई की है। वही बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज़ के बारे में तो बीस्ट को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली है। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटेन टोमेटोज पर 8 आलोचक की समीक्षकों के आधार पर फिल्म को 4.9 out of 10 के औसत स्कोर के साथ 38% की अनुमोदन रेटिंग मिली है। द किट कोई सौंदर्य अतिमुतु ने कहा कि बिस्ट न तो नेल्सन की फिल्म है और न ही विजय की फिल्म है, यह अच्छा है लेकिन सबसे अच्छा संयोजन नहीं है। जहां नेल्सन विजय प्रशंसकों को अधिक संतुष्ट करने की कोशिश करता है और विजय नेल्सन की अजीब दुनिया में फिट होने की कोशिश करते हैं। वही बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो बीस्ट 13 अप्रैल 2022 को पुतंडू वाले सप्ताह में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। तमिल के अलावा फिल्म के हिंदी तेलुगु मलयालम और कन्नड़ में डब संस्करण थे। तमिलनाडु के वितरण अधिकार रेड जायंट मूवीज के पास है। तेलुगु संस्करण श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस सुरेश प्रोडक्शन और एशियन सिनेमास द्वारा वितरित किया जाता है। मलयालम संस्करण मैजिक फ्रेंड्स द्वारा, कन्नड़ संस्करण अधीरज एंटरप्राइजेस द्वारा और हिंदी संस्करण एफओ मूवीज द्वारा वितरित किए जाते हैं। बात करें मूवी के होममेडिया के बारे में तो बीस्ट को 11 मई 2022 को सन NXT और नेटफ्लिक्स दोनों में तमिल में हिंदी तेलुगु मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में डब संस्करणों के साथ स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध कराया गया था। बीस्ट एक 2022 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्में
जो नेल्सन द्वारा लिखित और निर्देशित है। फिल्म में विजय, पूजा हेगड़े और सेल्वरागवन हैं। यह एक पूर्व रॉ एजेंट के इर्द गिर्द घूमती है जो आतंकवादियों द्वारा एक शॉपिंग मॉल में बंधक बनाए गए लोगों को छुड़ाना चाहता है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो विजय वीरा राघवन के रूप में जो एक पूर्व रॉ फील्ड ऑपरेटिव है, पूजा हेगड़े प्रीति के रूप में वीरा की प्रेमिका और रामचंद्रन की पूर्व मंगेतर है, अल्ताफ हुसैन वीरा के रूप पूर्व सहयोगी और उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में सेल्वा राघवन है, उमर सेफ के रूप में अंकुर विकल मॉल हाईजेक समूह का नेता है और उमर फारूक का भाई है। शाजी चेन गृह मंत्री के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के डेवलपमेंट के बारे में तो जनवरी 2020 में मास्टर 2021 में निर्माण के दौरान विजय ने कथित तौर पर कलानिधि मारन की सन पिक्चर्स द्वारा समर्थित अपनी अगली परियोजना के लिए हस्ताक्षर किए, जिसमें वेटाईकरण 2009, सूरा 2010 और सरकार 2018 के बाद उनके साथ सहयोग किया, जबकि मागीज थिरुमेनी एस शंकर सुधा कोंगाराम पंडीराज आर अजय न्यानमुदु और वेलिमारन को शुरू में फिल्म का निर्देशन करने की सूचना मिली थी। मार्च 2020 में एक सूत्र ने दावा किया कि ए आर मुरुगदासन ने विजय को अस्थायी रूप से थलपति 65 शीर्षक से निर्देशित करने की योजना बनाई थी। इस परियोजना के अप्रैल 2020 के अंत तक उत्पादन में प्रवेश करने की सूचना थी, जो नहीं हुआ। इस थमन को मई 2020 में संगीत तैयार करने के लिए अंतिम रूप दिया गया था, जो विजय के साथ उनका पहला सहयोग होगा। वही बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो 10 फरवरी 2021 को चेन्नई में सन टीवी नेटवर्क के कार्यालय में थलापति 65 का एक परीक्षण शूट आयोजित किया गया था। 31 मार्च 2021 को फिल्म को औपचारिक पूजा समारोह के साथ सन टीवी स्टूडियोज में लॉन्च किया गया था। हालांकि पूजा हेगड़े अपने व्यस्त कार्यक्रम के कारण लॉन्च के समय उपस्थित नहीं थी। 2021 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के बाद विजय और नेल्सन 7 अप्रैल 2021 को फिल्म की शूटिंग शेड्यूल के लिए जॉर्जिया गए थे। वही बात करें मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो 150 करोड़ के उत्पादन बजट के मुकाबले मूवी ने 250 करोड़ की कमाई की है। वही बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में तो बीस्ट को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली है। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटेन टोमेटोज पर 8 आलोचक की समीक्षकों के आधार पर फिल्म को 4.9 out of 10 के औसत स्कोर के साथ 38% की अनुमोदन रेटिंग मिली है। द किट कोई सौंदर्य अतिमुतु ने कहा कि बीस्ट न तो नेल्सन की फिल्म है और न ही विजय की फिल्म है, यह अच्छा है लेकिन सबसे अच्छा संयोजन नहीं है। जहां नेल्सन विजय प्रशंसकों को अधिक संतुष्ट करने की कोशिश करता है और विजय नेल्सन की अजीब दुनिया में फिट होने की कोशिश करते हैं। वही बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो बीस्ट 13 अप्रैल 2022 को पुतंडू वाले सप्ताह में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। तमिल के अलावा फिल्म के हिंदी, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में डब संस्करण थे। तमिलनाडु के वितरण अधिकार रेड जायंट मूवीज के पास है। तेलुगु संस्करण श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस, सुरेश प्रोडक्शन और एशियन सिनेमास द्वारा वितरित किया जाता है।
मलयालम संस्करण मैजिक फ्रेंड्स द्वारा, कन्नड़ संस्करण अधीरज इंटरप्राइजेस द्वारा और हिंदी संस्करण EFO मूवीज द्वारा वितरित किए जाते हैं। बात करें मूवी के होममेडिया के बारे में तो बीस्ट को 11 मई 2022 को सन NXT और नेटफ्लिक्स दोनों में तमिल में, हिंदी, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में डब संस्करणों के साथ स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध कराया गया था। बीस्ट एक 2022 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो नेल्सन द्वारा लिखित और निर्देशित है। फिल्म में विजय, पूजा हेगड़े और सेल्वरागवन हैं। यह एक पूर्व रॉ एजेंट के इर्द गिर्द घूमती है जो आतंकवादियों द्वारा एक शॉपिंग मॉल में बंधक बनाए गए लोगों को छुड़ाना चाहता है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो विजय वीरा राघवन के रूप में जो एक पूर्व रॉ फील्ड ऑपरेटिव है, पूजा हेगड़े प्रीति के रूप में वीरा की प्रेमिका और रामचंद्रन की पूर्व मंगेतर है, अल्ताफ हुसैन वीरा के रूप पूर्व सहयोगी और उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में सेल्वा राघवन है, उमर सेफ के रूप में अंकुर विकल मॉल हाईजेक समूह का नेता है और उमर फारूक का भाई, शाजी चेन गृह मंत्री के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के डेवलपमेंट के बारे में तो जनवरी 2020 में मास्टर 2021 में निर्माण के दौरान विजय ने कथित तौर पर कलानिधि मारन की सन पिक्चर्स द्वारा समर्थित अपनी अगली परियोजना के लिए हस्ताक्षर किए जिसमें वेटई करण 2009, सूरा 2010 और सरकार 2018 के बाद उनके साथ सहयोग किया, जबकि मागीज थिरुमेनी एस शंकर सुधा कोंगाराम पंडीराज आर अजय न्यानमुदु और वेलिमारन को शुरू में फिल्म का निर्देशन करने की सूचना मिली थी। मार्च 2020 में एक सूत्र ने दावा किया कि AR मुर्गादासन ने विजय को अस्थायी रूप से थलपति 65 शीर्षक से निर्देशित करने की योजना बनाई थी। इस परियोजना के अप्रैल 2020 के अंत तक उत्पादन में प्रवेश करने की सूचना थी जो नहीं हुआ। इस थमन को मई 2020 में संगीत तैयार करने के लिए अंतिम रूप दिया गया था जो विजय के साथ उनका पहला सहयोग होगा। वही बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो 10 फरवरी 2021 को चेन्नई में सन टीवी नेटवर्क के कार्यालय में थलापति 65 का एक परीक्षण शूट आयोजित किया गया था। 31 मार्च 2021 को फिल्म को औपचारिक पूजा समारोह के साथ सन टीवी स्टूडियोज में लॉन्च किया गया था। हालांकि पूजा हेगड़े अपने व्यस्त कार्यक्रम के कारण लॉन्च के समय उपस्थित नहीं थी। 2021 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के बाद विजय और नेल्सन 7 अप्रैल 2021 को फिल्म की शूटिंग शेड्यूल के लिए जॉर्जिया गए थे। वही बात करें मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो 150 करोड़ के उत्पादन बजट के मुकाबले मूवी ने 250 करोड़ की कमाई की है। वही बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज़ के बारे में तो बीस्ट को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली है। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटेन टोमेटोज पर 8 आलोचक की समीक्षकों के आधार पर फिल्म को 4.9 out of 10 के औसत स्कोर के साथ 38% की अनुमोदन रेटिंग मिली है। द किट कोई सौंदर्य अतिमुतु ने कहा कि बीस्ट न तो नेल्सन की फिल्म है और न ही विजय की फिल्म है, यह अच्छा है लेकिन सबसे अच्छा संयोजन नहीं है। जहां नेल्सन विजय प्रशंसकों को अधिक संतुष्ट करने की
कोशिश करता है और विजय नेल्सन की अजीब दुनिया में फिट होने की कोशिश करते हैं। वही बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो बीस्ट 13 अप्रैल 2022 को पुथंडू वाले सप्ताह में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। तमिल के अलावा फिल्म के हिंदी, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में डब संस्करण थे। तमिलनाडु के वितरण अधिकार रेड जायंट मूवीज के पास है। तेलुगु संस्करण श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस, सुरेश प्रोडक्शन और एशियन सिनेमास द्वारा वितरित किया जाता है। मलयालम संस्करण मैजिक फ्रेंड्स द्वारा, कन्नड़ संस्करण अधीरज इंटरप्राइजेस द्वारा और हिंदी संस्करण एफओ मूवीज द्वारा वितरित किए जाते हैं। बात करें मूवी के होममेडिया के बारे में तो बीस्ट को 11 मई 2022 को सन NXT और नेटफ्लिक्स दोनों में तमिल में हिंदी, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में डब संस्करणों के साथ स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध कराया गया था। बीस्ट 1 2022 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो नेल्सन द्वारा लिखित और निर्देशित है। फिल्म में विजय, पूजा हेगड़े और सेल्वरागवन हैं। यह एक पूर्व रॉ एजेंट के इर्द गिर्द घूमती है जो आतंकवादियों द्वारा एक शॉपिंग मॉल में बंधक बनाए गए लोगों को छुड़ाना चाहता है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो विजय वीरा राघवन के रूप में जो एक पूर्व रॉ फील्ड ऑपरेटिव है, पूजा हेगड़े प्रीति के रूप में वीरा की प्रेमिका और रामचंद्रन की पूर्व मंगेतर है, अल्ताफ हुसैन वीरा के रूप पूर्व सहयोगी और उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में सेल्वा राघवन है, उमर सेफ के रूप में अंकुर विकल मॉल हाईजेक समूह का नेता है और उमर फारूक का भाई, शाजी चेन गृह मंत्री के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के डेवलपमेंट के बारे में तो जनवरी 2020 में मास्टर 2021 में निर्माण के दौरान विजय ने कथित तौर पर कलानिधि मारन की सन पिक्चर्स द्वारा समर्थित अपनी अगली परियोजना के लिए हस्ताक्षर किए, जिसमें वेटाईकरण 2009, सूरा 2010 और सरकार 2018 के बाद उनके साथ सहयोग किया, जबकि मागीज थिरुमेनी, एस शंकर, सुधा कोंगाराम, पंडीराज आर, अजय न्यानमुदु और वेलिमारन को शुरू में फिल्म का निर्देशन करने की सूचना मिली थी। मार्च 2020 में एक सूत्र ने दावा किया कि ए आर मुरुगदासन ने विजय को अस्थायी रूप से थलापति 65 शीर्षक से निर्देशित करने की योजना बनाई थी। इस परियोजना के अप्रैल 2020 के अंत तक उत्पादन में प्रवेश करने की सूचना थी जो नहीं हुआ। इस थमन को मई 2020 में संगीत तैयार करने के लिए अंतिम रूप दिया गया था जो विजय के साथ उनका पहला सहयोग होगा। वही बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो 10 फरवरी 2021 को चेन्नई में सन टीवी नेटवर्क के कार्यालय में थलापति 65 का एक परीक्षण शूट आयोजित किया गया था। 31 मार्च 2021 को फिल्म को औपचारिक पूजा समारोह के साथ सन टीवी स्टूडियोज में लॉन्च किया गया था। हालांकि पूजा हेगड़े अपने व्यस्त कार्यक्रम के कारण लॉन्च के समय उपस्थित नहीं थी। 2021 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के बाद विजय और नेल्सन 7 अप्रैल 2021 को फिल्म की शूटिंग शेड्यूल के लिए जॉर्जिया गए थे। वही बात करें मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो 150 करोड़ के उत्पादन बजट के मुकाबले मूवी ने 250 करोड़ की कमाई की है। वही बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज़ के बारे में तो
बीस्ट को आलोचकों से समीक्षा मिश्रित समीक्षा मिली है। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटेन टोमेटोज पर 8 आलोचक की समीक्षकों के आधार पर फिल्म को 4.9 आउट ऑफ 10 के औसत स्कोर के साथ 38% की अनुमोदन रेटिंग मिली है। द स्किन द किट कोई सौंदर्य अतिमुतु ने कहा कि बिस्ट न तो नेल्सन की फिल्म है और न ही विजय की फिल्म है। यह अच्छा है लेकिन सबसे अच्छा संयोजन नहीं है। जहां नेल्सन विजय प्रशंसकों को अधिक संतुष्ट करने की कोशिश करता है और विजय नेल्सन की अजीब दुनिया में फिट होने की कोशिश करते हैं। वही बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो बिस्ट 13 अप्रैल 2022 को पुतंडू वाले सप्ताह में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। तमिल के अलावा फिल्म के हिंदी तेलुगु मलयालम और कन्नड़ में डब संस्करण थे। तमिलनाडु के वितरण अधिकार रेड जायंट मूवीज के पास है। तेलुगु संस्करण श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस सुरेश प्रोडक्शन और एशियन सिनेमास द्वारा वितरित किया जाता है। मलयालम संस्करण मैजिक फ्रेंड्स द्वारा, कन्नड़ संस्करण अधीरज एंटरप्राइजेस द्वारा और हिंदी संस्करण एफओ मूवीज द्वारा वितरित किए जाते हैं। बात करें मूवी के होममेडिया के बारे में तो बिस्ट को 11 मई 2022 को सन NXT और नेटफ्लिक्स दोनों में तमिल में हिंदी तेलुगु मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में डब संस्करणों के साथ स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध कराया गया था। बीस्ट एक 2022 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो नेल्सन द्वारा लिखित और निर्देशित है। फिल्म में विजय पूजा हेगड़े और सेल्वरागवन हैं। यह एक पूर्व रॉ एजेंट के इर्द गिर्द घूमती है जो आतंकवादियों द्वारा एक शॉपिंग मॉल में बंधक बनाए गए लोगों को छुड़ाना चाहता है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो विजय वीरा राघवन के रूप में जो एक पूर्व रॉ फील्ड ऑपरेटिव है। पूजा हेगड़े प्रीति के रूप में वीरा की प्रेमिका और रामचंद्रन की पूर्व मंगेतर है। अल्ताफ हुसैन वीरा के रूप पूर्व सहयोगी और उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में सेल्वारागवन है। उमर सेफ के रूप में अंकुर विकल मॉल हाईजेक समूह का नेता है और उमर फारूक का भाई। शाजी चेन गृह मंत्री के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के डेवलपमेंट के बारे में तो जनवरी 2020 में मास्टर 2021 में निर्माण के दौरान विजय ने कथित तौर पर कलानिधि मारन की सन पिक्चर्स द्वारा समर्थित अपनी अगली परियोजना के लिए हस्ताक्षर किए जिसमें वेटाईकरण 2009 सूरा 2010 और सरकार 2018 के बाद उनके साथ सहयोग किया। जबकि मागीज थिरुमेनी एस शंकर सुधा कोंगाराम पंडीराज आर अजय न्यानमुदु और वेलिमारन को शुरू में फिल्म का निर्देशन करने की सूचना मिली थी। मार्च 2020 में एक सूत्र ने दावा किया कि ए आर मुरुगदासन ने विजय को अस्थायी रूप से थलापति 65 शीर्षक से निर्देशित करने की योजना बनाई थी। इस परियोजना के अप्रैल 2020 के अंत तक उत्पादन में प्रवेश करने की सूचना थी जो नहीं हुआ। इस थमन को मई 2020 में संगीत तैयार करने के लिए अंतिम रूप दिया गया था जो विजय के साथ उनका पहला सहयोग होगा। वही बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो 10 फरवरी 2021 को चेन्नई में सन टीवी नेटवर्क के कार्यालय में थलापति 65 का एक परीक्षण शूट आयोजित किया गया था। 31 मार्च 2021 को
फिल्म को औपचारिक पूजा समारोह के साथ सन टीवी स्टूडियोज में लॉन्च किया गया था। हालांकि पूजा हेगड़े अपने व्यस्त कार्यक्रम के कारण लॉन्च के समय उपस्थित नहीं थी। 2021 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के बाद विजय और नेल्सन 7 अप्रैल 2021 को फिल्म की शूटिंग शेड्यूल के लिए जॉर्जिया गए थे। वही बात करें मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो 150 करोड़ के उत्पादन बजट के मुकाबले मूवी ने 250 करोड़ की कमाई की है। वही बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में तो बीस्ट को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली है। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटेन टोमेटोज पर 8 आलोचक की समीक्षकों के आधार पर फिल्म को 4.9 out of 10 के औसत स्कोर के साथ 38% की अनुमोदन रेटिंग मिली है। द स्किन द किट कोई सौंदर्य अतिमुतु ने कहा कि बीस्ट न तो नेल्सन की फिल्म है और न ही विजय की फिल्म है। यह अच्छा है लेकिन सबसे अच्छा संयोजन नहीं है। जहां नेल्सन विजय प्रशंसकों को अधिक संतुष्ट करने की कोशिश करता है और विजय नेल्सन की अजीब दुनिया में फिट होने की कोशिश करते हैं। वही बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो बीस्ट 13 अप्रैल 2022 को पुथंडू वाले सप्ताह में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। तमिल के अलावा फिल्म के हिंदी, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में डब संस्करण थे। तमिलनाडु के वितरण अधिकार रेड जायंट मूवीज के पास है। तेलुगु संस्करण श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस, सुरेश प्रोडक्शन और एशियन सिनेमास द्वारा वितरित किया जाता है। मलयालम संस्करण मैजिक फ्रेंड्स द्वारा, कन्नड़ संस्करण अधीरज एंटरप्राइजेस द्वारा और हिंदी संस्करण एफओ मूवीज द्वारा वितरित किए जाते हैं। बात करें मूवी के होममेडिया के बारे में तो बीस्ट को 11 मई 2022 को सन NXT और नेटफ्लिक्स दोनों में तमिल में हिंदी, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में डब संस्करणों के साथ स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध कराया गया था। बीस्ट एक 2022 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो नेल्सन द्वारा लिखित और निर्देशित है। फिल्म में विजय, पूजा हेगड़े और सेल्वरागवन हैं। यह एक पूर्व रॉ एजेंट के इर्द गिर्द घूमती है जो आतंकवादियों द्वारा एक शॉपिंग मॉल में बंधक बनाए गए लोगों को छुड़ाना चाहता है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो विजय वीरा राघवन के रूप में जो एक पूर्व रॉ फील्ड ऑपरेटिव है, पूजा हेगड़े प्रीति के रूप में वीरा की प्रेमिका और रामचंद्रन की पूर्व मंगेतर है, अल्ताफ हुसैन वीरा के रूप पूर्व सहयोगी और उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में सेल्वा राघवन है, उमर सेफ के रूप में अंकुर विकल मॉल हाईजेक समूह का नेता है और उमर फारूक का भाई, शाजी चेन गृह मंत्री के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के डेवलपमेंट के बारे में तो जनवरी 2020 में मास्टर 2021 में निर्माण के दौरान विजय ने कथित तौर पर कलानिधि मारन की सन पिक्चर्स द्वारा समर्थित अपनी अगली परियोजना के लिए हस्ताक्षर किए, जिसमें वेटाईकरण 2009, सूरा 2010 और सरकार 2018 के बाद उनके साथ सहयोग किया, जबकि मागीज थिरुमेनी, एस शंकर, सुधा कोंगाराम, पंडीराज आर, अजय न्यानमुदु और वेलिमारन को शुरू में फिल्म का निर्देशन करने की सूचना मिली थी। मार्च 2020 में एक सूत्र ने दावा किया कि A.R. मुर्गादासन ने विजय को अस्थायी रूप से थलापति 65
शीर्षक से निर्देशित करने की योजना बनाई थी। इस परियोजना के अप्रैल 2020 के अंत तक उत्पादन में प्रवेश करने की सूचना थी, जो नहीं हुआ। इस थमन को मई 2020 में संगीत तैयार करने के लिए अंतिम रूप दिया गया था, जो विजय के साथ उनका पहला सहयोग होगा। वही बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में, तो 10 फरवरी 2021 को चेन्नई में सन टीवी नेटवर्क के कार्यालय में तलपति 65 का एक परीक्षण शूट आयोजित किया गया था। 31 मार्च 2021 को फिल्म को औपचारिक पूजा समारोह के साथ सन टीवी स्टूडियोज में लॉन्च किया गया था। हालांकि पूजा हेगड़े अपने व्यस्त कार्यक्रम के कारण लॉन्च के समय उपस्थित नहीं थी। 2021 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के बाद विजय और नेल्सन 7 अप्रैल 2021 को फिल्म की शूटिंग शेड्यूल के लिए जॉर्जिया गए थे। वही बात करें मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो 150 करोड़ के उत्पादन बजट के मुकाबले मूवी ने 250 करोड़ की कमाई की है। वही बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में, तो बीस्ट को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली है। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटेन टोमेटोज पर 8 आलोचक की समीक्षकों के आधार पर फिल्म को 4.9 out of 10 के औसत स्कोर के साथ 38% की अनुमोदन रेटिंग मिली है। द किट कोई सौंदर्य अतिमुतु ने कहा कि बिस्ट न तो नेल्सन की फिल्म है और न ही विजय की फिल्म है। यह अच्छा है, लेकिन सबसे अच्छा संयोजन नहीं है। जहां नेल्सन विजय प्रशंसकों को अधिक संतुष्ट करने की कोशिश करता है और विजय नेल्सन की अजीब दुनिया में फिट होने की कोशिश करते हैं। कोई बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में, तो बीस्ट 13 अप्रैल 2022 को पुतंडू वाले सप्ताह में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। तमिल के अलावा फिल्म के हिंदी, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में डब संस्करण थे। तमिलनाडु के वितरण अधिकार रेड जायंट मूवीज के पास है। तेलुगु संस्करण श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस, सुरेश प्रोडक्शन और एशियन सिनेमास द्वारा वितरित किया जाता है। मलयालम संस्करण मैजिक फ्रेंड्स द्वारा, कन्नड़ संस्करण अधीरज एंटरप्राइजेस द्वारा और हिंदी संस्करण EFO मूवीज द्वारा वितरित किए जाते हैं। बात करें मूवी के होममेडिया के बारे में, तो बीस्ट को 11 मई 2022 को सन NXT और नेटफ्लिक्स दोनों में तमिल में हिंदी, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में डब संस्करणों के साथ स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध कराया गया था। बीस्ट एक 2022 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जो नेल्सन द्वारा लिखित और निर्देशित है। फिल्म में विजय, पूजा हेगड़े और सेल्वरागवन हैं। यह एक पूर्व रॉ एजेंट के इर्द गिर्द घूमती है, जो आतंकवादियों द्वारा एक शॉपिंग मॉल में बंधक बनाए गए लोगों को छुड़ाना चाहता है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो विजय वीरा राघवन के रूप में, जो एक पूर्व रॉ फील्ड ऑपरेटिव है। पूजा हेगड़े प्रीति के रूप में, वीरा की प्रेमिका और रामचंद्रन की पूर्व मंगेतर है। अल्ताफ हुसैन वीरा के रूप पूर्व सहयोगी और उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में सेल्वा राघवन है। उमर सेफ के रूप में अंकुर विकल मॉल हाईजेक समूह का नेता है और उमर फारूक का भाई। शाजी चेन गृह मंत्री के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के डेवलपमेंट के बारे में, तो जनवरी 2020 में मास्टर 2021 में निर्माण के दौरान विजय ने कथित तौर पर कलानिधि मारन की सन पिक्चर्स द्वारा समर्थित अपनी अगली परियोजना के लिए
हस्ताक्षर किए, जिसमें वेटाईकरण 2009, सूरा 2010 और सरकार 2018 के बाद उनके साथ सहयोग किया, जबकि मागीज थिरुमेनी, एस शंकर, सुधा कोंगाराम, पंडीराज आर, अजय न्यानमुदु और वेलिमारन को शुरू में फिल्म का निर्देशन करने की सूचना मिली थी। मार्च 2020 में एक सूत्र ने दावा किया कि ए आर मुरुगदासन ने विजय को अस्थायी रूप से थलपति 65 शीर्षक से निर्देशित करने की योजना बनाई थी। इस परियोजना के अप्रैल 2020 के अंत तक उत्पादन में प्रवेश करने की सूचना थी, जो नहीं हुआ। इस थमन को मई 2020 में संगीत तैयार करने के लिए अंतिम रूप दिया गया था, जो विजय के साथ उनका पहला सहयोग होगा। वही बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में, तो 10 फरवरी 2021 को चेन्नई में सन टीवी नेटवर्क के कार्यालय में थलापति 65 का एक परीक्षण शूट आयोजित किया गया था। 31 मार्च 2021 को फिल्म को औपचारिक पूजा समारोह के साथ सन टीवी स्टूडियोज में लॉन्च किया गया था। हालांकि पूजा हेगड़े अपने व्यस्त कार्यक्रम के कारण लॉन्च के समय उपस्थित नहीं थी। 2021 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के बाद विजय और नेल्सन 7 अप्रैल 2021 को फिल्म की शूटिंग शेड्यूल के लिए जॉर्जिया गए थे। वही बात करें मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो 150 करोड़ के उत्पादन बजट के मुकाबले मूवी ने 250 करोड़ की कमाई की है। वही बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज़ के बारे में, तो बीस्ट को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली है। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटेन टोमेटोज पर 8 आलोचक की समीक्षकों के आधार पर फिल्म को 4.9 out of 10 के औसत स्कोर के साथ 38% की अनुमोदन रेटिंग मिली है। द किट कोई सौंदर्य अतिमुतु ने कहा कि बिस्ट न तो नेल्सन की फिल्म है और न ही विजय की फिल्म है, यह अच्छा है लेकिन सबसे अच्छा संयोजन नहीं है। जहां नेल्सन विजय प्रशंसकों को अधिक संतुष्ट करने की कोशिश करता है और विजय नेल्सन की अजीब दुनिया में फिट होने की कोशिश करते हैं। कोई बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में, तो बीस्ट 13 अप्रैल 2022 को पुतंडू वाले सप्ताह में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। तमिल के अलावा फिल्म के हिंदी, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में डब संस्करण थे। तमिलनाडु के वितरण अधिकार रेड जायंट मूवीज के पास है। तेलुगु संस्करण श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस, सुरेश प्रोडक्शन और एशियन सिनेमास द्वारा वितरित किया जाता है। मलयालम संस्करण मैजिक फ्रेंड्स द्वारा, कन्नड़ संस्करण अधीरज एंटरप्राइजेस द्वारा और हिंदी संस्करण एफओ मूवीज द्वारा वितरित किए जाते हैं। बात करें मूवी के होममेडिया के बारे में, तो बीस्ट को 11 मई 2022 को सन NXT और नेटफ्लिक्स दोनों में तमिल में हिंदी, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में डब संस्करणों के साथ स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध कराया गया था। बीस्ट एक 2022 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जो नेल्सन द्वारा लिखित और निर्देशित है। फिल्म में विजय, पूजा हेगड़े और सेल्वरागवन हैं। यह एक पूर्व रॉ एजेंट के इर्द गिर्द घूमती है, जो आतंकवादियों द्वारा एक शॉपिंग मॉल में बंधक बनाए गए लोगों को छुड़ाना चाहता है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो विजय वीरा राघवन के रूप में, जो एक पूर्व रॉ फील्ड ऑपरेटिव है। पूजा हेगड़े प्रीति के रूप में, वीरा की प्रेमिका और रामचंद्रन की पूर्व मंगेतर है। अल्ताफ हुसैन वीरा के रूप
पूर्व सहयोगी और उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में सेल्वारागवन हैं। उमर सेफ के रूप में अंकुर विकल मॉल हाईजेक समूह का नेता है और उमर फारूक का भाई है। शाजी चेन गृह मंत्री के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के डेवलपमेंट के बारे में तो जनवरी 2020 में मास्टर 2021 में निर्माण के दौरान विजय ने कथित तौर पर कलानिधि मारन की सन पिक्चर्स द्वारा समर्थित अपनी अगली परियोजना के लिए हस्ताक्षर किए, जिसमें वेटाईकरण 2009, सूरा 2010 और सरकार 2018 के बाद उनके साथ सहयोग किया, जबकि मागीज थिरुमेनी एस शंकर सुधा कोंगाराम पंडीराज आर अजय न्यानमुदु और वेलिमारन को शुरू में फिल्म का निर्देशन करने की सूचना मिली थी। मार्च 2020 में एक सूत्र ने दावा किया कि ए आर मुर्गादासन ने विजय को अस्थायी रूप से थलपति 65 शीर्षक से निर्देशित करने की योजना बनाई थी। इस परियोजना के अप्रैल 2020 के अंत तक उत्पादन में प्रवेश करने की सूचना थी, जो नहीं हुआ। इस थमन को मई 2020 में संगीत तैयार करने के लिए अंतिम रूप दिया गया था, जो विजय के साथ उनका पहला सहयोग होगा। वही बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो 10 फरवरी 2021 को चेन्नई में सन टीवी नेटवर्क के कार्यालय में थलापति 65 का एक परीक्षण शूट आयोजित किया गया था। 31 मार्च 2021 को फिल्म को औपचारिक पूजा समारोह के साथ सन टीवी स्टूडियोज में लॉन्च किया गया था। हालांकि पूजा हेगड़े अपने व्यस्त कार्यक्रम के कारण लॉन्च के समय उपस्थित नहीं थी। 2021 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के बाद विजय और नेल्सन 7 अप्रैल 2021 को फिल्म की शूटिंग शेड्यूल के लिए जॉर्जिया गए थे। वही बात करें मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो 150 करोड़ के उत्पादन बजट के मुकाबले मूवी ने 250 करोड़ की कमाई की है। वही बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज़ के बारे में तो बीस्ट को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली है। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटेन टोमेटोज पर 8 आलोचक की समीक्षकों के आधार पर फिल्म को 4.9 out of 10 के औसत स्कोर के साथ 38% की अनुमोदन रेटिंग मिली है। द स्किन द किट कोई सौंदर्य अतिमुतु ने कहा कि बीस्ट न तो नेल्सन की फिल्म है और न ही विजय की फिल्म है, यह अच्छा है लेकिन सबसे अच्छा संयोजन नहीं है। जहां नेल्सन विजय प्रशंसकों को अधिक संतुष्ट करने की कोशिश करता है और विजय नेल्सन की अजीब दुनिया में फिट होने की कोशिश करते हैं। वही बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो बीस्ट 13 अप्रैल 2022 को पुतंडू वाले सप्ताह में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। तमिल के अलावा फिल्म के हिंदी तेलुगु मलयालम और कन्नड़ में डब संस्करण थे। तमिलनाडु के वितरण अधिकार रेड जायंट मूवीज के पास है। तेलुगु संस्करण श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस सुरेश प्रोडक्शन और एशियन सिनेमास द्वारा वितरित किया जाता है। मलयालम संस्करण मैजिक फ्रेंड्स द्वारा, कन्नड़ संस्करण अधीरज एंटरप्राइजेस द्वारा और हिंदी संस्करण एफओ मूवीज द्वारा वितरित किए जाते हैं। बात करें मूवी के होममेडिया के बारे में तो बीस्ट को 11 मई 2022 को सन NXT और नेटफ्लिक्स दोनों में तमिल में हिंदी तेलुगु मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में डब संस्करणों के साथ स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध कराया गया था। बीस्ट एक 2022 की
भारतीय तमिल भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्में जो नेल्सन द्वारा लिखित और निर्देशित है। फिल्म में विजय, पूजा हेगड़े और सेल्वरागवन हैं। यह एक पूर्व रॉ एजेंट के इर्द गिर्द घूमती है जो आतंकवादियों द्वारा एक शॉपिंग मॉल में बंधक बनाए गए लोगों को छुड़ाना चाहता है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो विजय वीरा राघवन के रूप में जो एक पूर्व रॉ फील्ड ऑपरेटिव है, पूजा हेगड़े प्रीति के रूप में वीरा की प्रेमिका और रामचंद्रन की पूर्व मंगेतर है, अल्ताफ हुसैन वीरा के रूप पूर्व सहयोगी और उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में सेल्वा राघवन है, उमर सेफ के रूप में अंकुर विकल मॉल हाईजेक समूह का नेता है और उमर फारूक का भाई, शाजी चेन गृह मंत्री के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के डेवलपमेंट के बारे में तो जनवरी 2020 में मास्टर 2021 में निर्माण के दौरान विजय ने कथित तौर पर कलानिधि मारन की सन पिक्चर्स द्वारा समर्थित अपनी अगली परियोजना के लिए हस्ताक्षर किए, जिसमें वेटाई करण 2009, सूरा 2010 और सरकार 2018 के बाद उनके साथ सहयोग किया, जबकि मागीज थिरुमेनी एस शंकर सुधा कोंगाराम पंडीराज आर अजय न्यानमुदु और वेलिमारन को शुरू में फिल्म का निर्देशन करने की सूचना मिली थी। मार्च 2020 में एक सूत्र ने दावा किया कि ए आर मुरुगदासन ने विजय को अस्थायी रूप से थलापति 65 शीर्षक से निर्देशित करने की योजना बनाई थी। इस परियोजना के अप्रैल 2020 के अंत तक उत्पादन में प्रवेश करने की सूचना थी जो नहीं हुआ। इस थमन को मई 2020 में संगीत तैयार करने के लिए अंतिम रूप दिया गया था जो विजय के साथ उनका पहला सहयोग होगा। वही बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो 10 फरवरी 2021 को चेन्नई में सन टीवी नेटवर्क के कार्यालय में थलापति 65 का एक परीक्षण शूट आयोजित किया गया था। 31 मार्च 2021 को फिल्म को औपचारिक पूजा समारोह के साथ सन टीवी स्टूडियोज में लॉन्च किया गया था। हालांकि पूजा हेगड़े अपने व्यस्त कार्यक्रम के कारण लॉन्च के समय उपस्थित नहीं थी। 2021 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के बाद विजय और नेल्सन 7 अप्रैल 2021 को फिल्म की शूटिंग शेड्यूल के लिए जॉर्जिया गए थे। वही बात करें मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो 150 करोड़ के उत्पादन बजट के मुकाबले मूवी ने 250 करोड़ की कमाई की है। वही बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज़ के बारे में तो बीस्ट को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली है। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटेन टोमेटोज पर 8 आलोचक की समीक्षकों के आधार पर फिल्म को 4.9 out of 10 के औसत स्कोर के साथ 38% की अनुमोदन रेटिंग मिली है। द किट कोई सौंदर्य अतिमुतु ने कहा कि बीस्ट न तो नेल्सन की फिल्म है और न ही विजय की फिल्म है, यह अच्छा है लेकिन सबसे अच्छा संयोजन नहीं है। जहां नेल्सन विजय प्रशंसकों को अधिक संतुष्ट करने की कोशिश करता है और विजय नेल्सन की अजीब दुनिया में फिट होने की कोशिश करते हैं। वही बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो बीस्ट 13 अप्रैल 2022 को पुतंडू वाले सप्ताह में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। तमिल के अलावा फिल्म के हिंदी, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में डब संस्करण थे। तमिलनाडु के वितरण अधिकार रेड जायंट मूवीज के पास है। तेलुगु संस्करण श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस, सुरेश प्रोडक्शन और
एशियन सिनेमास द्वारा वितरित किया जाता है। मलयालम संस्करण मैजिक फ्रेंड्स द्वारा, कन्नड़ संस्करण अधीरज इंटरप्राइजेस द्वारा और हिंदी संस्करण एफओ मूवीज द्वारा वितरित किए जाते हैं। बात करें मूवी के होममेडिया के बारे में तो बीस्ट को 11 मई 2022 को सन NXT और नेटफ्लिक्स दोनों में तमिल में, हिंदी, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में डब संस्करणों के साथ स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध कराया गया था। बीस्ट एक 2022 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो नेल्सन द्वारा लिखित और निर्देशित है। फिल्म में विजय, पूजा हेगड़े और सेल्वरागवन हैं। यह एक पूर्व रॉ एजेंट के इर्द गिर्द घूमती है जो आतंकवादियों द्वारा एक शॉपिंग मॉल में बंधक बनाए गए लोगों को छुड़ाना चाहता है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो विजय वीरा राघवन के रूप में जो एक पूर्व रॉ फील्ड ऑपरेटिव है, पूजा हेगड़े प्रीति के रूप में वीरा की प्रेमिका और रामचंद्रन की पूर्व मंगेतर है, अल्ताफ हुसैन वीरा के रूप पूर्व सहयोगी और उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में सेल्वा राघवन है, उमर सेफ के रूप में अंकुर विकल मॉल हाईजेक समूह का नेता है और उमर फारूक का भाई, शाजी चेन गृह मंत्री के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के डेवलपमेंट के बारे में तो जनवरी 2020 में मास्टर 2021 में निर्माण के दौरान विजय ने कथित तौर पर कलानिधि मारन की सन पिक्चर्स द्वारा समर्थित अपनी अगली परियोजना के लिए हस्ताक्षर किए जिसमें वेटाई करण 2009, सूरा 2010 और सरकार 2018 के बाद उनके साथ सहयोग किया, जबकि मागीज थिरुमेनी, एस शंकर, सुधा कोंगाराम, पंडीराज आर, अजय न्यानमुदु और वेलिमारन को शुरू में फिल्म का निर्देशन करने की सूचना मिली थी। मार्च 2020 में एक सूत्र ने दावा किया कि A.R. मुरुगदासन ने विजय को अस्थायी रूप से थलापति 65 शीर्षक से निर्देशित करने की योजना बनाई थी। इस परियोजना के अप्रैल 2020 के अंत तक उत्पादन में प्रवेश करने की सूचना थी जो नहीं हुआ। इस थमन को मई 2020 में संगीत तैयार करने के लिए अंतिम रूप दिया गया था जो विजय के साथ उनका पहला सहयोग होगा। वही बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो 10 फरवरी 2021 को चेन्नई में सन टीवी नेटवर्क के कार्यालय में थलापति 65 का एक परीक्षण शूट आयोजित किया गया था। 31 मार्च 2021 को फिल्म को औपचारिक पूजा समारोह के साथ सन टीवी स्टूडियोज में लॉन्च किया गया था। हालांकि पूजा हेगड़े अपने व्यस्त कार्यक्रम के कारण लॉन्च के समय उपस्थित नहीं थी। 2021 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के बाद विजय और नेल्सन 7 अप्रैल 2021 को फिल्म की शूटिंग शेड्यूल के लिए जॉर्जिया गए थे। वही बात करें मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो 150 करोड़ के उत्पादन बजट के मुकाबले मूवी ने 250 करोड़ की कमाई की है। वही बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज़ के बारे में तो बीस्ट को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली है। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटेन टोमेटोज पर 8 आलोचक की समीक्षकों के आधार पर फिल्म को 4.9 out of 10 के औसत स्कोर के साथ 38% की अनुमोदन रेटिंग मिली है। द किट कोई सौंदर्य अतिमुतु ने कहा कि बीस्ट न तो नेल्सन की फिल्म है और न ही विजय की फिल्म है, यह अच्छा है लेकिन सबसे अच्छा संयोजन नहीं है। जहां नेल्सन विजय प्रशंसकों को
अधिक संतुष्ट करने की कोशिश करता है और विजय नेल्सन की अजीब दुनिया में फिट होने की कोशिश करते हैं। वही बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो बीस्ट 13 अप्रैल 2022 को पुथंडू वाले सप्ताह में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। तमिल के अलावा फिल्म के हिंदी, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में डब संस्करण थे। तमिलनाडु के वितरण अधिकार रेड जायंट मूवीज के पास है। तेलुगु संस्करण श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस, सुरेश प्रोडक्शन और एशियन सिनेमास द्वारा वितरित किया जाता है। मलयालम संस्करण मैजिक फ्रेंड्स द्वारा, कन्नड़ संस्करण अधीरज एंटरप्राइजेस द्वारा और हिंदी संस्करण एफओ मूवीज द्वारा वितरित किए जाते हैं। बात करें मूवी के होममेडिया के बारे में तो बीस्ट को 11 मई 2022 को सन NXT और नेटफ्लिक्स दोनों में तमिल में हिंदी, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में डब संस्करणों के साथ स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध कराया गया था। बीस्ट एक 2022 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो नेल्सन द्वारा लिखित और निर्देशित है। फिल्म में विजय, पूजा हेगड़े और सेल्वरागवन हैं। यह एक पूर्व रॉ एजेंट के इर्द गिर्द घूमती है जो आतंकवादियों द्वारा एक शॉपिंग मॉल में बंधक बनाए गए लोगों को छुड़ाना चाहता है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो विजय वीरा राघवन के रूप में जो एक पूर्व रॉ फील्ड ऑपरेटिव है, पूजा हेगड़े प्रीति के रूप में वीरा की प्रेमिका और रामचंद्रन की पूर्व मंगेतर है, अल्ताफ हुसैन वीरा के रूप पूर्व सहयोगी और उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में सेल्वा राघवन है, उमर सेफ के रूप में अंकुर विकल मॉल हाईजेक समूह का नेता है और उमर फारूक का भाई, शाजी चेन गृह मंत्री के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के डेवलपमेंट के बारे में तो जनवरी 2020 में मास्टर 2021 में निर्माण के दौरान विजय ने कथित तौर पर कलानिधि मारन की सन पिक्चर्स द्वारा समर्थित अपनी अगली परियोजना के लिए हस्ताक्षर किए जिसमें वेटाई करण 2009, सूरा 2010 और सरकार 2018 के बाद उनके साथ सहयोग किया, जबकि मागीज थिरुमेनी, एस शंकर, सुधा कोंगाराम, पंडीराज आर, अजय न्यानमुदु और वेलिमारन को शुरू में फिल्म का निर्देशन करने की सूचना मिली थी। मार्च 2020 में एक सूत्र ने दावा किया कि ए आर मुरुगदासन ने विजय को अस्थायी रूप से थलापति 65 शीर्षक से निर्देशित करने की योजना बनाई थी। इस परियोजना के अप्रैल 2020 के अंत तक उत्पादन में प्रवेश करने की सूचना थी जो नहीं हुआ। इस थमन को मई 2020 में संगीत तैयार करने के लिए अंतिम रूप दिया गया था जो विजय के साथ उनका पहला सहयोग होगा। वही बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो 10 फरवरी 2021 को चेन्नई में सन टीवी नेटवर्क के कार्यालय में थलापति 65 का एक परीक्षण शूट आयोजित किया गया था। 31 मार्च 2021 को फिल्म को औपचारिक पूजा समारोह के साथ सन टीवी स्टूडियोज में लॉन्च किया गया था। हालांकि पूजा हेगड़े अपने व्यस्त कार्यक्रम के कारण लॉन्च के समय उपस्थित नहीं थी। 2021 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के बाद विजय और नेल्सन 7 अप्रैल 2021 को फिल्म की शूटिंग शेड्यूल के लिए जॉर्जिया गए थे। वही बात करें मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो 150 करोड़ के उत्पादन बजट के मुकाबले मूवी ने 250 करोड़ की कमाई की है। वही बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में तो
बीस्ट को आलोचकों से समीक्षा मिश्रित समीक्षा मिली है। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटेन टोमेटोज पर 8 आलोचक की समीक्षकों के आधार पर फिल्म को 4.9 आउट ऑफ 10 की औसत स्कोर के साथ 38% की अनुमोदन रेटिंग मिली है। द स्किन द किट कोई सौंदर्य अतिमुतु ने कहा कि बीस्ट न तो नेल्सन की फिल्म है और न ही विजय की फिल्म है। यह अच्छा है लेकिन सबसे अच्छा संयोजन नहीं है। जहां नेल्सन विजय प्रशंसकों को अधिक संतुष्ट करने की कोशिश करता है और विजय नेल्सन की अजीब दुनिया में फिट होने की कोशिश करते हैं। वही बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो बीस्ट 13 अप्रैल 2022 को पुथंडू वाले सप्ताह में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। तमिल के अलावा फिल्म के हिंदी तेलुगु मलयालम और कन्नड़ में डब संस्करण थे। तमिलनाडु के वितरण अधिकार रेड जायंट मूवीज के पास है। तेलुगु संस्करण श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस सुरेश प्रोडक्शन और एशियन सिनेमास द्वारा वितरित किया जाता है। मलयालम संस्करण मैजिक फ्रेंड्स द्वारा कन्नड़ संस्करण अधीरज एंटरप्राइजेस द्वारा और हिंदी संस्करण एफओ मूवीज द्वारा वितरित किए जाते हैं। बात करें मूवी के होममेडिया के बारे में तो बीस्ट को 11 मई 2022 को सन NXT और नेटफ्लिक्स दोनों में तमिल में हिंदी तेलुगु मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में डब संस्करणों के साथ स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध कराया गया था। बीस्ट 1 2022 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो नेल्सन द्वारा लिखित और निर्देशित है। फिल्म में विजय पूजा हेगड़े और सेल्वरागवन हैं। यह एक पूर्व रॉ एजेंट के इर्द गिर्द घूमती है जो आतंकवादियों द्वारा एक शॉपिंग मॉल में बंधक बनाए गए लोगों को छुड़ाना चाहता है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो विजय वीरा राघवन के रूप में जो एक पूर्व रॉ फील्ड ऑपरेटिव है। पूजा हेगड़े प्रीति के रूप में वीरा की प्रेमिका और रामचंद्रन की पूर्व मंगेतर है। अल्ताफ हुसैन वीरा के रूप पूर्व सहयोगी और उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में सेल्वरागवन है। उमर सेफ के रूप में अंकुर विकल मॉल हाईजेक समूह का नेता है और उमर फारूक का भाई। शाजी चेन गृह मंत्री के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के डेवलपमेंट के बारे में तो जनवरी 2020 में मास्टर 2021 में निर्माण के दौरान विजय ने कथित तौर पर कलानिधि मारन की सन पिक्चर्स द्वारा समर्थित अपनी अगली परियोजना के लिए हस्ताक्षर किए जिसमें वेटाईकरण 2009 सूरा 2010 और सरकार 2018 के बाद उनके साथ सहयोग किया जबकि मागीज थिरुमेनी एस शंकर सुधा कोंगाराम पंडीराज आर अजय न्यानमुदु और वेलिमारन को शुरू में फिल्म का निर्देशन करने की सूचना मिली थी। मार्च 2020 में एक सूत्र ने दावा किया कि ए आर मुरुगदासन ने विजय को अस्थायी रूप से थलापति 65 शीर्षक से निर्देशित करने की योजना बनाई थी। इस परियोजना के अप्रैल 2020 के अंत तक उत्पादन में प्रवेश करने की सूचना थी जो नहीं हुआ। इस थमन को मई 2020 में संगीत तैयार करने के लिए अंतिम रूप दिया गया था जो विजय के साथ उनका पहला सहयोग होगा। वही बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो 10 फरवरी 2021 को चेन्नई में सन टीवी नेटवर्क के कार्यालय में थलापति 65 का एक परीक्षण शूट आयोजित किया गया था। 31 मार्च 2021 को
फिल्म को औपचारिक पूजा समारोह के साथ सन टीवी स्टूडियोज में लॉन्च किया गया था। हालांकि पूजा हेगड़े अपने व्यस्त कार्यक्रम के कारण लॉन्च के समय उपस्थित नहीं थी। 2021 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के बाद विजय और नेल्सन 7 अप्रैल 2021 को फिल्म की शूटिंग शेड्यूल के लिए जॉर्जिया गए थे। वही बात करें मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो 150 करोड़ के उत्पादन बजट के मुकाबले मूवी ने 250 करोड़ की कमाई की है। वही बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में तो बीस्ट को आलोचकों से विस्तृत समीक्षा मिली है। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटेन टोमेटोज पर 8 आलोचक की समीक्षकों के आधार पर फिल्म को 4.9 out of 10 के औसत स्कोर के साथ 38% की अनुमोदन रेटिंग मिली है। द स्किन द किट कोई सौंदर्य अतिमुतु ने कहा कि बीस्ट न तो नेल्सन की फिल्म है और न ही विजय की फिल्म है। यह अच्छा है लेकिन सबसे अच्छा संयोजन नहीं है। जहां नेल्सन विजय प्रशंसकों को अधिक संतुष्ट करने की कोशिश करता है और विजय नेल्सन की अजीब दुनिया में फिट होने की कोशिश करते हैं। वही बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो बीस्ट 13 अप्रैल 2022 को पुतंडू वाले सप्ताह में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। तमिल के अलावा फिल्म के हिंदी, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में डब संस्करण थे। तमिलनाडु के वितरण अधिकार रेड जायंट मूवीज के पास है। तेलुगु संस्करण श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस, सुरेश प्रोडक्शन और एशियन सिनेमास द्वारा वितरित किया जाता है। मलयालम संस्करण मैजिक फ्रेंड्स द्वारा, कन्नड़ संस्करण अधीरज एंटरप्राइजेस द्वारा और हिंदी संस्करण एफओ मूवीज द्वारा वितरित किए जाते हैं। बात करें मूवी के होममेडिया के बारे में तो बीस्ट को 11 मई 2022 को सन NXT और नेटफ्लिक्स दोनों में तमिल में हिंदी, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में डब संस्करणों के साथ स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध कराया गया था। बीस्ट एक 2022 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो नेल्सन द्वारा लिखित और निर्देशित है। फिल्म में विजय, पूजा हेगड़े और सेल्वरागवन हैं। यह एक पूर्व रॉ एजेंट के इर्द गिर्द घूमती है जो आतंकवादियों द्वारा एक शॉपिंग मॉल में बंधक बनाए गए लोगों को छुड़ाना चाहता है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो विजय वीरा राघवन के रूप में जो एक पूर्व रॉ फील्ड ऑपरेटिव है, पूजा हेगड़े प्रीति के रूप में वीरा की प्रेमिका और रामचंद्रन की पूर्व मंगेतर है, अल्ताफ हुसैन वीरा के रूप पूर्व सहयोगी और उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में सेल्वा राघवन है, उमर सेफ के रूप में अंकुर विकल मॉल हाईजेक समूह का नेता है और उमर फारूक का भाई, शाजी चेन गृह मंत्री के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के डेवलपमेंट के बारे में तो जनवरी 2020 में मास्टर 2021 में निर्माण के दौरान विजय ने कथित तौर पर कलानिधि मारन की सन पिक्चर्स द्वारा समर्थित अपनी अगली परियोजना के लिए हस्ताक्षर किए जिसमें वेटाईकरण 2009, सूरा 2010 और सरकार 2018 के बाद उनके साथ सहयोग किया, जबकि मागीज थिरुमेनी, एस शंकर, सुधा कोंगाराम, पंडीराज आर, अजय न्यानमुदु और वेलिमारन को शुरू में फिल्म का निर्देशन करने की सूचना मिली थी। मार्च 2020 में एक सूत्र ने दावा किया कि A.R. मुर्गादासन ने विजय को अस्थायी रूप से थलापति 65
शीर्षक से निर्देशित करने की योजना बनाई थी। इस परियोजना के अप्रैल 2020 के अंत तक उत्पादन में प्रवेश करने की सूचना थी, जो नहीं हुआ। इस थमन को मई 2020 में संगीत तैयार करने के लिए अंतिम रूप दिया गया था, जो विजय के साथ उनका पहला सहयोग होगा। वही बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में, तो 10 फरवरी 2021 को चेन्नई में सन टीवी नेटवर्क के कार्यालय में तलपति 65 का एक परीक्षण शूट आयोजित किया गया था। 31 मार्च 2021 को फिल्म को औपचारिक पूजा समारोह के साथ सन टीवी स्टूडियोज में लॉन्च किया गया था। हालांकि पूजा हेगड़े अपने व्यस्त कार्यक्रम के कारण लॉन्च के समय उपस्थित नहीं थी। 2021 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के बाद विजय और नेल्सन 7 अप्रैल 2021 को फिल्म की शूटिंग शेड्यूल के लिए जॉर्जिया गए थे। वही बात करें मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो 150 करोड़ के उत्पादन बजट के मुकाबले मूवी ने 250 करोड़ की कमाई की है। वही बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज़ के बारे में, तो बीस्ट को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली है। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटेन टोमेटोज पर 8 आलोचक की समीक्षकों के आधार पर फिल्म को 4.9 out of 10 के औसत स्कोर के साथ 38% की अनुमोदन रेटिंग मिली है। द किट कोई सौंदर्य अतिमुतु ने कहा कि बीस्ट न तो नेल्सन की फिल्म है और न ही विजय की फिल्म है। यह अच्छा है, लेकिन सबसे अच्छा संयोजन नहीं है। जहां नेल्सन विजय प्रशंसकों को अधिक संतुष्ट करने की कोशिश करता है और विजय नेल्सन की अजीब दुनिया में फिट होने की कोशिश करते हैं। वही बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में, तो बीस्ट 13 अप्रैल 2022 को पुथंडू वाले सप्ताह में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। तमिल के अलावा फिल्म के हिंदी, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में डब संस्करण थे। तमिलनाडु के वितरण अधिकार रेड जायंट मूवीज के पास है। तेलुगु संस्करण श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस, सुरेश प्रोडक्शन और एशियन सिनेमास द्वारा वितरित किया जाता है। मलयालम संस्करण मैजिक फ्रेंड्स द्वारा, कन्नड़ संस्करण अधीरज एंटरप्राइजेस द्वारा और हिंदी संस्करण एफओ मूवीज द्वारा वितरित किए जाते हैं। बात करें मूवी के होममेडिया के बारे में, तो बीस्ट को 11 मई 2022 को सन NXT और नेटफ्लिक्स दोनों में तमिल में हिंदी, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में डब संस्करणों के साथ स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध कराया गया था। बीस्ट एक 2022 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जो नेल्सन द्वारा लिखित और निर्देशित है। फिल्म में विजय, पूजा हेगड़े और सेल्वरागवन हैं। यह एक पूर्व रॉ एजेंट के इर्द गिर्द घूमती है, जो आतंकवादियों द्वारा एक शॉपिंग मॉल में बंधक बनाए गए लोगों को छुड़ाना चाहता है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो विजय वीरा राघवन के रूप में, जो एक पूर्व रॉ फील्ड ऑपरेटिव है। पूजा हेगड़े प्रीति के रूप में, वीरा की प्रेमिका और रामचंद्रन की पूर्व मंगेतर है। अल्ताफ हुसैन वीरा के रूप पूर्व सहयोगी और उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में सेल्वरागवन है। उमर सेफ के रूप में अंकुर विकल मॉल हाईजेक समूह का नेता है और उमर फारूक का भाई। शाजी चेन गृह मंत्री के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के डेवलपमेंट के बारे में, तो जनवरी 2020 में मास्टर 2021 में निर्माण के दौरान विजय ने कथित तौर पर कलानिधि मारन की सन पिक्चर्स द्वारा समर्थित अपनी अगली परियोजना के लिए
हस्ताक्षर की, जिसमें वेटाईकरण 2009, सूरा 2010 और सरकार 2018 के बाद उनके साथ सहयोग किया, जबकि मागीज थिरुमेनी, एस शंकर, सुधा कोंगाराम, पंडीराज आर, अजय न्यानमुदु और वेलिमारन को शुरू में फिल्म का निर्देशन करने की सूचना मिली थी। मार्च 2020 में एक सूत्र ने दावा किया कि ए आर मुरुगदासन ने विजय को अस्थायी रूप से थलापति 65 शीर्षक से निर्देशित करने की योजना बनाई थी। इस परियोजना के अप्रैल 2020 के अंत तक उत्पादन में प्रवेश करने की सूचना थी, जो नहीं हुआ। इस थमन को मई 2020 में संगीत तैयार करने के लिए अंतिम रूप दिया गया था, जो विजय के साथ उनका पहला सहयोग होगा। वही बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में, तो 10 फरवरी 2021 को चेन्नई में सन टीवी नेटवर्क के कार्यालय में थलापति 65 का एक परीक्षण शूट आयोजित किया गया था। 31 मार्च 2021 को फिल्म को औपचारिक पूजा समारोह के साथ सन टीवी स्टूडियोज में लॉन्च किया गया था। हालांकि पूजा हेगड़े अपने व्यस्त कार्यक्रम के कारण लॉन्च के समय उपस्थित नहीं थी। 2021 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के बाद विजय और नेल्सन 7 अप्रैल 2021 को फिल्म की शूटिंग शेड्यूल के लिए जॉर्जिया गए थे। वही बात करें मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो 150 करोड़ के उत्पादन बजट के मुकाबले मूवी ने 250 करोड़ की कमाई की है। वही बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में, तो बीस्ट को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली है। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटेन टोमेटोज पर 8 आलोचक की समीक्षकों के आधार पर फिल्म को 4.9 out of 10 के औसत स्कोर के साथ 38% की अनुमोदन रेटिंग मिली है। द किट कोई सौंदर्य अतिमुतु ने कहा कि बीस्ट न तो नेल्सन की फिल्म है और न ही विजय की फिल्म है, यह अच्छा है लेकिन सबसे अच्छा संयोजन नहीं है। जहां नेल्सन विजय प्रशंसकों को अधिक संतुष्ट करने की कोशिश करता है और विजय नेल्सन की अजीब दुनिया में फिट होने की कोशिश करते हैं। वही बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में, तो बीस्ट 13 अप्रैल 2022 को पुतंडू वाले सप्ताह में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। तमिल के अलावा फिल्म के हिंदी, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में डब संस्करण थे। तमिलनाडु के वितरण अधिकार रेड जायंट मूवीज के पास है। तेलुगु संस्करण श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस, सुरेश प्रोडक्शन और एशियन सिनेमास द्वारा वितरित किया जाता है। मलयालम संस्करण मैजिक फ्रेंड्स द्वारा, कन्नड़ संस्करण अधीरज एंटरप्राइजेस द्वारा और हिंदी संस्करण एफओ मूवीज द्वारा वितरित किए जाते हैं। बात करें मूवी के होममेडिया के बारे में, तो बीस्ट को 11 मई 2022 को सन NXT और नेटफ्लिक्स दोनों में तमिल में हिंदी, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में डब संस्करणों के साथ स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध कराया गया था। बीस्ट एक 2022 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जो नेल्सन द्वारा लिखित और निर्देशित है। फिल्म में विजय, पूजा हेगड़े और सेल्वरागवन हैं। यह एक पूर्व रॉ एजेंट के इर्द गिर्द घूमती है, जो आतंकवादियों द्वारा एक शॉपिंग मॉल में बंधक बनाए गए लोगों को छुड़ाना चाहता है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो विजय वीरा राघवन के रूप में, जो एक पूर्व रॉ फील्ड ऑपरेटिव है। पूजा हेगड़े प्रीति के रूप में, वीरा की प्रेमिका और रामचंद्रन की पूर्व मंगेतर है। अल्ताफ हुसैन वीरा के रूप
पूर्व सहयोगी और उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में सेल्वारागवन हैं। उमर सेफ के रूप में अंकुर विकल मॉल हाईजेक समूह का नेता है और उमर फारूक का भाई है। शाजी चेन गृह मंत्री के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के डेवलपमेंट के बारे में तो जनवरी 2020 में मास्टर 2021 में निर्माण के दौरान विजय ने कथित तौर पर कलानिधि मारन की सन पिक्चर्स द्वारा समर्थित अपनी अगली परियोजना के लिए हस्ताक्षर किए, जिसमें वेटाईकरण 2009, सूरा 2010 और सरकार 2018 के बाद उनके साथ सहयोग किया, जबकि मागीज थिरुमेनी एस शंकर सुधा कोंगाराम पंडीराज आर अजय न्यानमुदु और वेलिमारन को शुरू में फिल्म का निर्देशन करने की सूचना मिली थी। मार्च 2020 में एक सूत्र ने दावा किया कि ए आर मुरुगदासन ने विजय को अस्थायी रूप से थलपति 65 शीर्षक से निर्देशित करने की योजना बनाई थी। इस परियोजना के अप्रैल 2020 के अंत तक उत्पादन में प्रवेश करने की सूचना थी, जो नहीं हुआ। इस थमन को मई 2020 में संगीत तैयार करने के लिए अंतिम रूप दिया गया था, जो विजय के साथ उनका पहला सहयोग होगा। वही बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो 10 फरवरी 2021 को चेन्नई में सन टीवी नेटवर्क के कार्यालय में थलापति 65 का एक परीक्षण शूट आयोजित किया गया था। 31 मार्च 2021 को फिल्म को औपचारिक पूजा समारोह के साथ सन टीवी स्टूडियोज में लॉन्च किया गया था। हालांकि पूजा हेगड़े अपने व्यस्त कार्यक्रम के कारण लॉन्च के समय उपस्थित नहीं थी। 2021 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के बाद विजय और नेल्सन 7 अप्रैल 2021 को फिल्म की शूटिंग शेड्यूल के लिए जॉर्जिया गए थे। वही बात करें मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो 150 करोड़ के उत्पादन बजट के मुकाबले मूवी ने 250 करोड़ की कमाई की है। वही बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज़ के बारे में तो बीस्ट को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली है। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटेन टोमेटोज पर 8 आलोचक की समीक्षकों के आधार पर फिल्म को 4.9 out of 10 के औसत स्कोर के साथ 38% की अनुमोदन रेटिंग मिली है। द किट कोई सौंदर्य अतिमुतु ने कहा कि बिस्ट न तो नेल्सन की फिल्म है और न ही विजय की फिल्म है, यह अच्छा है लेकिन सबसे अच्छा संयोजन नहीं है। जहां नेल्सन विजय प्रशंसकों को अधिक संतुष्ट करने की कोशिश करता है और विजय नेल्सन की अजीब दुनिया में फिट होने की कोशिश करते हैं। वही बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो बीस्ट 13 अप्रैल 2022 को पुतंडू वाले सप्ताह में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। तमिल के अलावा फिल्म के हिंदी तेलुगु मलयालम और कन्नड़ में डब संस्करण थे। तमिलनाडु के वितरण अधिकार रेड जायंट मूवीज के पास है। तेलुगु संस्करण श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस सुरेश प्रोडक्शन और एशियन सिनेमास द्वारा वितरित किया जाता है। मलयालम संस्करण मैजिक फ्रेंड्स द्वारा, कन्नड़ संस्करण अधीरज एंटरप्राइजेस द्वारा और हिंदी संस्करण एफओ मूवीज द्वारा वितरित किए जाते हैं। बात करें मूवी के होममेडिया के बारे में तो बीस्ट को 11 मई 2022 को सन NXT और नेटफ्लिक्स दोनों में तमिल में हिंदी तेलुगु मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में डब संस्करणों के साथ स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध कराया गया था। बीस्ट एक 2022 की
भारतीय तमिल भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्में जो नेल्सन द्वारा लिखित और निर्देशित है। फिल्म में विजय, पूजा हेगड़े और सेल्वरागवन हैं। यह एक पूर्व रॉ एजेंट के इर्द गिर्द घूमती है जो आतंकवादियों द्वारा एक शॉपिंग मॉल में बंधक बनाए गए लोगों को छुड़ाना चाहता है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो विजय वीरा राघवन के रूप में जो एक पूर्व रॉ फील्ड ऑपरेटिव है, पूजा हेगड़े प्रीति के रूप में वीरा की प्रेमिका और रामचंद्रन की पूर्व मंगेतर है, अल्ताफ हुसैन वीरा के रूप पूर्व सहयोगी और उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में सेल्वा राघवन है, उमर सेफ के रूप में अंकुर विकल मॉल हाईजेक समूह का नेता है और उमर फारूक का भाई, शाजी चेन गृह मंत्री के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के डेवलपमेंट के बारे में तो जनवरी 2020 में मास्टर 2021 में निर्माण के दौरान विजय ने कथित तौर पर कलानिधि मारन की सन पिक्चर्स द्वारा समर्थित अपनी अगली परियोजना के लिए हस्ताक्षर किए, जिसमें वेटाईकरण 2009, सूरा 2010 और सरकार 2018 के बाद उनके साथ सहयोग किया, जबकि मागीज थिरुमेनी एस शंकर सुधा कोंगाराम पंडीराज आर अजय न्यानमुदु और वेलिमारन को शुरू में फिल्म का निर्देशन करने की सूचना मिली थी। मार्च 2020 में एक सूत्र ने दावा किया कि ए आर मुरुगदासन ने विजय को अस्थायी रूप से थलापति 65 शीर्षक से निर्देशित करने की योजना बनाई थी। इस परियोजना के अप्रैल 2020 के अंत तक उत्पादन में प्रवेश करने की सूचना थी जो नहीं हुआ। इस थमन को मई 2020 में संगीत तैयार करने के लिए अंतिम रूप दिया गया था जो विजय के साथ उनका पहला सहयोग होगा। वही बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो 10 फरवरी 2021 को चेन्नई में सन टीवी नेटवर्क के कार्यालय में थलापति 65 का एक परीक्षण शूट आयोजित किया गया था। 31 मार्च 2021 को फिल्म को औपचारिक पूजा समारोह के साथ सन टीवी स्टूडियोज में लॉन्च किया गया था। हालांकि पूजा हेगड़े अपने व्यस्त कार्यक्रम के कारण लॉन्च के समय उपस्थित नहीं थी। 2021 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के बाद विजय और नेल्सन 7 अप्रैल 2021 को फिल्म की शूटिंग शेड्यूल के लिए जॉर्जिया गए थे। वही बात करें मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो 150 करोड़ के उत्पादन बजट के मुकाबले मूवी ने 250 करोड़ की कमाई की है। वही बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज़ के बारे में तो बीस्ट को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली है। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटेन टोमेटोज पर 8 आलोचक की समीक्षकों के आधार पर फिल्म को 4.9 out of 10 के औसत स्कोर के साथ 38% की अनुमोदन रेटिंग मिली है। द किट कोई सौंदर्य अतिमुतु ने कहा कि बीस्ट न तो नेल्सन की फिल्म है और न ही विजय की फिल्म है, यह अच्छा है लेकिन सबसे अच्छा संयोजन नहीं है। जहां नेल्सन विजय प्रशंसकों को अधिक संतुष्ट करने की कोशिश करता है और विजय नेल्सन की अजीब दुनिया में फिट होने की कोशिश करते हैं। वही बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो बीस्ट 13 अप्रैल 2022 को पुथंडू वाले सप्ताह में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। तमिल के अलावा फिल्म के हिंदी, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में डब संस्करण थे। तमिलनाडु के वितरण अधिकार रेड जायंट मूवीज के पास है। तेलुगु संस्करण श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस, सुरेश प्रोडक्शन और
एशियन सिनेमास द्वारा वितरित किया जाता है। मलयालम संस्करण मैजिक फ्रेंड्स द्वारा, कन्नड़ संस्करण अधीरज एंटरप्राइजेस द्वारा और हिंदी संस्करण एफओ मूवीज द्वारा वितरित किए जाते हैं। बात करें मूवी के होममेडिया के बारे में तो बीस्ट को 11 मई 2022 को सन NXT और नेटफ्लिक्स दोनों में तमिल में, हिंदी, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में डब संस्करणों के साथ स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध कराया गया था। बीस्ट एक 2022 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो नेल्सन द्वारा लिखित और निर्देशित है। फिल्म में विजय, पूजा हेगड़े और सेल्वराघवन हैं। यह एक पूर्व रॉ एजेंट के इर्द गिर्द घूमती है जो आतंकवादियों द्वारा एक शॉपिंग मॉल में बंधक बनाए गए लोगों को छुड़ाना चाहता है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो विजय वीरा राघवन के रूप में जो एक पूर्व रॉ फील्ड ऑपरेटिव है, पूजा हेगड़े प्रीति के रूप में वीरा की प्रेमिका और रामचंद्रन की पूर्व मंगेतर है, अल्ताफ हुसैन वीरा के रूप पूर्व सहयोगी और उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में सेल्वराघवन है, उमर सेफ के रूप में अंकुर विकल मॉल हाईजेक समूह का नेता है और उमर फारूक का भाई, शाजी चेन गृह मंत्री के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के डेवलपमेंट के बारे में तो जनवरी 2020 में मास्टर 2021 में निर्माण के दौरान विजय ने कथित तौर पर कलानिधि मारन की सन पिक्चर्स द्वारा समर्थित अपनी अगली परियोजना के लिए हस्ताक्षर किए जिसमें वेटाईकरण 2009, सूरा 2010 और सरकार 2018 के बाद उनके साथ सहयोग किया, जबकि मागीज थिरुमेनी एस शंकर सुधा कोंगाराम पंडीराज आर अजय न्यानमुदु और वेलिमारन को शुरू में फिल्म का निर्देशन करने की सूचना मिली थी। मार्च 2020 में एक सूत्र ने दावा किया कि ए आर मुरुगदासन ने विजय को अस्थायी रूप से थलपति 65 शीर्षक से निर्देशित करने की योजना बनाई थी। इस परियोजना के अप्रैल 2020 के अंत तक उत्पादन में प्रवेश करने की सूचना थी जो नहीं हुआ। इस थमन को मई 2020 में संगीत तैयार करने के लिए अंतिम रूप दिया गया था जो विजय के साथ उनका पहला सहयोग होगा। वही बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो 10 फरवरी 2021 को चेन्नई में सन टीवी नेटवर्क के कार्यालय में थलापति 65 का एक परीक्षण शूट आयोजित किया गया था। 31 मार्च 2021 को फिल्म को औपचारिक पूजा समारोह के साथ सन टीवी स्टूडियोज में लॉन्च किया गया था। हालांकि पूजा हेगड़े अपने व्यस्त कार्यक्रम के कारण लॉन्च के समय उपस्थित नहीं थी। 2021 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के बाद विजय और नेल्सन 7 अप्रैल 2021 को फिल्म की शूटिंग शेड्यूल के लिए जॉर्जिया गए थे। वही बात करें मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो 150 करोड़ के उत्पादन बजट के मुकाबले मूवी ने 250 करोड़ की कमाई की है। वही बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज़ के बारे में तो बीस्ट को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली है। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटेन टोमेटोज पर 8 आलोचक की समीक्षकों के आधार पर फिल्म को 4.9 out of 10 के औसत स्कोर के साथ 38% की अनुमोदन रेटिंग मिली है। द किट कोई सौंदर्य अतिमुतु ने कहा कि बीस्ट न तो नेल्सन की फिल्म है और न ही विजय की फिल्म है, यह अच्छा है लेकिन सबसे अच्छा संयोजन नहीं है। जहां नेल्सन विजय प्रशंसकों को
अधिक संतुष्ट करने की कोशिश करता है और विजय नेल्सन की अजीब दुनिया में फिट होने की कोशिश करते हैं। वही बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो बीस्ट 13 अप्रैल 2022 को पुथंडू वाले सप्ताह में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। तमिल के अलावा फिल्म के हिंदी, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में डब संस्करण थे। तमिलनाडु के वितरण अधिकार रेड जायंट मूवीज के पास है। तेलुगु संस्करण श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस, सुरेश प्रोडक्शन और एशियन सिनेमास द्वारा वितरित किया जाता है। मलयालम संस्करण मैजिक फ्रेंड्स द्वारा, कन्नड़ संस्करण अधीरज एंटरप्राइजेस द्वारा और हिंदी संस्करण एफओ मूवीज द्वारा वितरित किए जाते हैं। बात करें मूवी के होममेडिया के बारे में तो बीस्ट को 11 मई 2022 को सन NXT और नेटफ्लिक्स दोनों में तमिल में, हिंदी, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में डब संस्करणों के साथ स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध कराया गया था। बीस्ट एक 2022 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो नेल्सन द्वारा लिखित और निर्देशित है। फिल्म में विजय, पूजा हेगड़े और सेल्वराघवन हैं। यह एक पूर्व रॉ एजेंट के इर्द गिर्द घूमती है जो आतंकवादियों द्वारा एक शॉपिंग मॉल में बंधक बनाए गए लोगों को छुड़ाना चाहता है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो विजय वीरा राघवन के रूप में जो एक पूर्व रॉ फील्ड ऑपरेटिव है, पूजा हेगड़े प्रीति के रूप में वीरा की प्रेमिका और रामचंद्रन की पूर्व मंगेतर है, अल्ताफ हुसैन वीरा के रूप पूर्व सहयोगी और उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में सेल्वराघवन है, उमर सेफ के रूप में अंकुर विकल मॉल हाईजेक समूह का नेता है और उमर फारूक का भाई, शाजी चेन गृह मंत्री के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के डेवलपमेंट के बारे में तो जनवरी 2020 में मास्टर 2021 में निर्माण के दौरान विजय ने कथित तौर पर कलानिधि मारन की सन पिक्चर्स द्वारा समर्थित अपनी अगली परियोजना के लिए हस्ताक्षर किए जिसमें वेटाई करण 2009, सूरा 2010 और सरकार 2018 के बाद उनके साथ सहयोग किया, जबकि मागीज थिरुमेनी, एस शंकर, सुधा कोंगाराम, पंडीराज आर, अजय न्यानमुदु और वेलिमारन को शुरू में फिल्म का निर्देशन करने की सूचना मिली थी। मार्च 2020 में एक सूत्र ने दावा किया कि ए आर मुरुगदासन ने विजय को अस्थायी रूप से थलपति 65 शीर्षक से निर्देशित करने की योजना बनाई थी। इस परियोजना के अप्रैल 2020 के अंत तक उत्पादन में प्रवेश करने की सूचना थी जो नहीं हुआ। इस थमन को मई 2020 में संगीत तैयार करने के लिए अंतिम रूप दिया गया था जो विजय के साथ उनका पहला सहयोग होगा। वही बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो 10 फरवरी 2021 को चेन्नई में सन टीवी नेटवर्क के कार्यालय में थलापति 65 का एक परीक्षण शूट आयोजित किया गया था। 31 मार्च 2021 को फिल्म को औपचारिक पूजा समारोह के साथ सन टीवी स्टूडियोज में लॉन्च किया गया था। हालांकि पूजा हेगड़े अपने व्यस्त कार्यक्रम के कारण लॉन्च के समय उपस्थित नहीं थी। 2021 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के बाद विजय और नेल्सन 7 अप्रैल 2021 को फिल्म की शूटिंग शेड्यूल के लिए जॉर्जिया गए थे। वही बात करें मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो 150 करोड़ के उत्पादन बजट के मुकाबले मूवी ने 250 करोड़ की कमाई की है। वही बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में तो
बीस्ट को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली है। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटेन टोमेटोज पर 8 आलोचक की समीक्षकों के आधार पर फिल्म को 4.9 आउट ऑफ 10 के औसत स्कोर के साथ 38% की अनुमोदन रेटिंग मिली है। द स्किन द किट कोई सौंदर्य अतिमुतु ने कहा कि बीस्ट न तो नेल्सन की फिल्म है और न ही विजय की फिल्म है। यह अच्छा है लेकिन सबसे अच्छा संयोजन नहीं है। जहां नेल्सन विजय प्रशंसकों को अधिक संतुष्ट करने की कोशिश करता है और विजय नेल्सन की अजीब दुनिया में फिट होने की कोशिश करते हैं। वही बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो बीस्ट 13 अप्रैल 2022 को पुथंडू वाले सप्ताह में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। तमिल के अलावा फिल्म के हिंदी तेलुगु मलयालम और कन्नड़ में डब संस्करण थे। तमिलनाडु के वितरण अधिकार रेड जायंट मूवीज के पास है। तेलुगु संस्करण श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस सुरेश प्रोडक्शन और एशियन सिनेमास द्वारा वितरित किया जाता है। मलयालम संस्करण मैजिक फ्रेंड्स द्वारा कन्नड़ संस्करण अधीरज एंटरप्राइजेस द्वारा और हिंदी संस्करण एफओ मूवीज द्वारा वितरित किए जाते हैं। बात करें मूवी के होममेडिया के बारे में तो बीस्ट को 11 मई 2022 को सन NXT और नेटफ्लिक्स दोनों में तमिल में हिंदी तेलुगु मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में डब संस्करणों के साथ स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध कराया गया था। बीस्ट एक 2022 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो नेल्सन द्वारा लिखित और निर्देशित है। फिल्म में विजय पूजा हेगड़े और सेल्वरागवन हैं। यह एक पूर्व रॉ एजेंट के इर्द गिर्द घूमती है जो आतंकवादियों द्वारा एक शॉपिंग मॉल में बंधक बनाए गए लोगों को छुड़ाना चाहता है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो विजय वीरा राघवन के रूप में जो एक पूर्व रॉ फील्ड ऑपरेटिव है। पूजा हेगड़े प्रीति के रूप में वीरा की प्रेमिका और रामचंद्रन की पूर्व मंगेतर है। अल्ताफ हुसैन वीरा के रूप पूर्व सहयोगी और उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में सेल्वारागवन है। उमर सेफ के रूप में अंकुर विकल मॉल हाईजेक समूह का नेता है और उमर फारूक का भाई। शाजी चेन गृह मंत्री के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के डेवलपमेंट के बारे में तो जनवरी 2020 में मास्टर 2021 में निर्माण के दौरान विजय ने कथित तौर पर कलानिधि मारन की सन पिक्चर्स द्वारा समर्थित अपनी अगली परियोजना के लिए हस्ताक्षर किए जिसमें वेटाईकरण 2009 सूरा 2010 और सरकार 2018 के बाद उनके साथ सहयोग किया जबकि मागीज थिरुमेनी एस शंकर सुधा कोंगाराम पंडीराज आर अजय न्यानमुदु और वेलिमारन को शुरू में फिल्म का निर्देशन करने की सूचना मिली थी। मार्च 2020 में एक सूत्र ने दावा किया कि ए आर मुरुगदासन ने विजय को अस्थायी रूप से थलापति 65 शीर्षक से निर्देशित करने की योजना बनाई थी। इस परियोजना के अप्रैल 2020 के अंत तक उत्पादन में प्रवेश करने की सूचना थी जो नहीं हुआ। इस थमन को मई 2020 में संगीत तैयार करने के लिए अंतिम रूप दिया गया था जो विजय के साथ उनका पहला सहयोग होगा। वही बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो 10 फरवरी 2021 को चेन्नई में सन टीवी नेटवर्क के कार्यालय में थलापति 65 का एक परीक्षण शूट आयोजित किया गया था। 31 मार्च 2021 को
फिल्म को औपचारिक पूजा समारोह के साथ सन टीवी स्टूडियोज में लॉन्च किया गया था। हालांकि पूजा हेगड़े अपने व्यस्त कार्यक्रम के कारण लॉन्च के समय उपस्थित नहीं थी। 2021 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के बाद विजय और नेल्सन 7 अप्रैल 2021 को फिल्म की शूटिंग शेड्यूल के लिए जॉर्जिया गए थे। वही बात करें मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो 150 करोड़ के उत्पादन बजट के मुकाबले मूवी ने 250 करोड़ की कमाई की है। वही बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में तो बीस्ट को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली है। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटेन टोमेटोज पर 8 आलोचक की समीक्षकों के आधार पर फिल्म को 4.9 out of 10 के औसत स्कोर के साथ 38% की अनुमोदन रेटिंग मिली है। द किट कोई सौंदर्य अतिमुतु ने कहा कि बीस्ट न तो नेल्सन की फिल्म है और न ही विजय की फिल्म है। यह अच्छा है लेकिन सबसे अच्छा संयोजन नहीं है। जहां नेल्सन विजय प्रशंसकों को अधिक संतुष्ट करने की कोशिश करता है और विजय नेल्सन की अजीब दुनिया में फिट होने की कोशिश करते हैं। वही बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो बीस्ट 13 अप्रैल 2022 को पुथंडू वाले सप्ताह में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। तमिल के अलावा फिल्म के हिंदी, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में डब संस्करण थे। तमिलनाडु के वितरण अधिकार रेड जायंट मूवीज के पास है। तेलुगु संस्करण श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस, सुरेश प्रोडक्शन और एशियन सिनेमास द्वारा वितरित किया जाता है। मलयालम संस्करण मैजिक फ्रेंड्स द्वारा, कन्नड़ संस्करण अधीरज एंटरप्राइजेस द्वारा और हिंदी संस्करण एफओ मूवीज द्वारा वितरित किए जाते हैं। बात करें मूवी के होममेडिया के बारे में तो बीस्ट को 11 मई 2022 को सन NXT और नेटफ्लिक्स दोनों में तमिल में हिंदी, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में डब संस्करणों के साथ स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध कराया गया था। बीस्ट एक 2022 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो नेल्सन द्वारा लिखित और निर्देशित है। फिल्म में विजय, पूजा हेगड़े और सेल्वरागवन हैं। यह एक पूर्व रॉ एजेंट के इर्द गिर्द घूमती है जो आतंकवादियों द्वारा एक शॉपिंग मॉल में बंधक बनाए गए लोगों को छुड़ाना चाहता है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो विजय वीरा राघवन के रूप में जो एक पूर्व रॉ फील्ड ऑपरेटिव है, पूजा हेगड़े प्रीति के रूप में वीरा की प्रेमिका और रामचंद्रन की पूर्व मंगेतर है। अल्ताफ हुसैन वीरा के रूप पूर्व सहयोगी और उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में सेल्वा राघवन है। उमर सेफ के रूप में अंकुर विकल मॉल हाईजेक समूह का नेता है और उमर फारूक का भाई। शाजी चेन गृह मंत्री के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के डेवलपमेंट के बारे में तो जनवरी 2020 में मास्टर 2021 में निर्माण के दौरान विजय ने कथित तौर पर कलानिधि मारन की सन पिक्चर्स द्वारा समर्थित अपनी अगली परियोजना के लिए हस्ताक्षर किए, जिसमें वेटाईकरण 2009, सूरा 2010 और सरकार 2018 के बाद उनके साथ सहयोग किया, जबकि मागीज थिरुमेनी, एस शंकर, सुधा कोंगाराम, पंडीराज आर, अजय न्यानमुदु और वेलिमारन को शुरू में फिल्म का निर्देशन करने की सूचना मिली थी। मार्च 2020 में एक सूत्र ने दावा किया कि A.R. मुर्गादासन ने विजय को अस्थायी रूप से थलापति 65
शीर्षक से निर्देशित करने की योजना बनाई थी। इस परियोजना के अप्रैल 2020 के अंत तक उत्पादन में प्रवेश करने की सूचना थी, जो नहीं हुआ। इस थमन को मई 2020 में संगीत तैयार करने के लिए अंतिम रूप दिया गया था, जो विजय के साथ उनका पहला सहयोग होगा। वही बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में, तो 10 फरवरी 2021 को चेन्नई में सन टीवी नेटवर्क के कार्यालय में तलपति 65 का एक परीक्षण शूट आयोजित किया गया था। 31 मार्च 2021 को फिल्म को औपचारिक पूजा समारोह के साथ सन टीवी स्टूडियोज में लॉन्च किया गया था। हालांकि पूजा हेगड़े अपने व्यस्त कार्यक्रम के कारण लॉन्च के समय उपस्थित नहीं थी। 2021 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के बाद विजय और नेल्सन 7 अप्रैल 2021 को फिल्म की शूटिंग शेड्यूल के लिए जॉर्जिया गए थे। वही बात करें मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो 150 करोड़ के उत्पादन बजट के मुकाबले मूवी ने 250 करोड़ की कमाई की है। वही बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज़ के बारे में, तो बीस्ट को आलोचकों से विस्तृत समीक्षा मिली है। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटेन टोमेटोज पर 8 आलोचक की समीक्षकों के आधार पर फिल्म को 4.9 out of 10 के औसत स्कोर के साथ 38% की अनुमोदन रेटिंग मिली है। द किट कोई सौंदर्य अतिमुतु ने कहा कि बीस्ट न तो नेल्सन की फिल्म है और न ही विजय की फिल्म है। यह अच्छा है, लेकिन सबसे अच्छा संयोजन नहीं है। जहां नेल्सन विजय प्रशंसकों को अधिक संतुष्ट करने की कोशिश करता है और विजय नेल्सन की अजीब दुनिया में फिट होने की कोशिश करते हैं। वही बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में, तो बीस्ट 13 अप्रैल 2022 को पुतंडू वाले सप्ताह में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। तमिल के अलावा फिल्म के हिंदी, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में डब संस्करण थे। तमिलनाडु के वितरण अधिकार रेड जायंट मूवीज के पास है। तेलुगु संस्करण श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस, सुरेश प्रोडक्शन और एशियन सिनेमास द्वारा वितरित किया जाता है। मलयालम संस्करण मैजिक फ्रेंड्स द्वारा, कन्नड़ संस्करण अधीरज एंटरप्राइजेस द्वारा और हिंदी संस्करण एफओ मूवीज द्वारा वितरित किए जाते हैं। बात करें मूवी के होममेडिया के बारे में, तो बीस्ट को 11 मई 2022 को सन NXT और नेटफ्लिक्स दोनों में तमिल में हिंदी, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में डब संस्करणों के साथ स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध कराया गया था। बीस्ट एक 2022 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जो नेल्सन द्वारा लिखित और निर्देशित है। फिल्म में विजय, पूजा हेगड़े और सेल्वरागवन हैं। यह एक पूर्व रॉ एजेंट के इर्द गिर्द घूमती है, जो आतंकवादियों द्वारा एक शॉपिंग मॉल में बंधक बनाए गए लोगों को छुड़ाना चाहता है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो विजय वीरा राघवन के रूप में, जो एक पूर्व रॉ फील्ड ऑपरेटिव है। पूजा हेगड़े प्रीति के रूप में, वीरा की प्रेमिका और रामचंद्रन की पूर्व मंगेतर है। अल्ताफ हुसैन वीरा के रूप पूर्व सहयोगी और उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में सेल्वारागवन है। उमर सेफ के रूप में अंकुर विकल मॉल हाईजेक समूह का नेता है और उमर फारूक का भाई। शाजी चेन गृह मंत्री के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के डेवलपमेंट के बारे में, तो जनवरी 2020 में मास्टर 2021 में निर्माण के दौरान विजय ने कथित तौर पर कलानिधि मारन की सन पिक्चर्स द्वारा समर्थित अपनी अगली परियोजना के लिए
हस्ताक्षर की, जिसमें वेटाईकरण 2009, सूरा 2010 और सरकार 2018 के बाद उनके साथ सहयोग किया, जबकि मागीज थिरुमेनी, एस शंकर, सुधा कोंगाराम, पंडीराज आर, अजय न्यानमुदु और वेलिमारन को शुरू में फिल्म का निर्देशन करने की सूचना मिली थी। मार्च 2020 में एक सूत्र ने दावा किया कि ए आर मुरुगदासन ने विजय को अस्थायी रूप से थलापति 65 शीर्षक से निर्देशित करने की योजना बनाई थी। इस परियोजना के अप्रैल 2020 के अंत तक उत्पादन में प्रवेश करने की सूचना थी, जो नहीं हुआ। इस थमन को मई 2020 में संगीत तैयार करने के लिए अंतिम रूप दिया गया था, जो विजय के साथ उनका पहला सहयोग होगा। वही बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में, तो 10 फरवरी 2021 को चेन्नई में सन टीवी नेटवर्क के कार्यालय में थलापति 65 का एक परीक्षण शूट आयोजित किया गया था। 31 मार्च 2021 को फिल्म को औपचारिक पूजा समारोह के साथ सन टीवी स्टूडियोज में लॉन्च किया गया था। हालांकि पूजा हेगड़े अपने व्यस्त कार्यक्रम के कारण लॉन्च के समय उपस्थित नहीं थी। 2021 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के बाद विजय और नेल्सन 7 अप्रैल 2021 को फिल्म की शूटिंग शेड्यूल के लिए जॉर्जिया गए थे। वही बात करें मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो 150 करोड़ के उत्पादन बजट के मुकाबले मूवी ने 250 करोड़ की कमाई की है। वही बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में, तो बीस्ट को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली है। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटेन टोमेटोज पर 8 आलोचक की समीक्षकों के आधार पर फिल्म को 4.9 out of 10 के औसत स्कोर के साथ 38% की अनुमोदन रेटिंग मिली है। द किट कोई सौंदर्य अतिमुतु ने कहा कि बीस्ट न तो नेल्सन की फिल्म है और न ही विजय की फिल्म है, यह अच्छा है लेकिन सबसे अच्छा संयोजन नहीं है। जहां नेल्सन विजय प्रशंसकों को अधिक संतुष्ट करने की कोशिश करता है और विजय नेल्सन की अजीब दुनिया में फिट होने की कोशिश करते हैं। वही बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में, तो बीस्ट 13 अप्रैल 2022 को पुतंडू वाले सप्ताह में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। तमिल के अलावा फिल्म के हिंदी, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में डब संस्करण थे। तमिलनाडु के वितरण अधिकार रेड जायंट मूवीज के पास है। तेलुगु संस्करण श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस, सुरेश प्रोडक्शन और एशियन सिनेमास द्वारा वितरित किया जाता है। मलयालम संस्करण मैजिक फ्रेंड्स द्वारा, कन्नड़ संस्करण अधीरज एंटरप्राइजेस द्वारा और हिंदी संस्करण एफओ मूवीज द्वारा वितरित किए जाते हैं। बात करें मूवी के होममेडिया के बारे में, तो बीस्ट को 11 मई 2022 को सन NXT और नेटफ्लिक्स दोनों में तमिल में, हिंदी, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में डब संस्करणों के साथ स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध कराया गया था। बीस्ट एक 2022 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जो नेल्सन द्वारा लिखित और निर्देशित है। फिल्म में विजय, पूजा हेगड़े और सेल्वरागवन हैं। यह एक पूर्व रॉ एजेंट के इर्द गिर्द घूमती है, जो आतंकवादियों द्वारा एक शॉपिंग मॉल में बंधक बनाए गए लोगों को छुड़ाना चाहता है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो विजय वीरा राघवन के रूप में, जो एक पूर्व रॉ फील्ड ऑपरेटिव है। पूजा हेगड़े प्रीति के रूप में, वीरा की प्रेमिका और रामचंद्रन की पूर्व मंगेतर है। अल्ताफ हुसैन वीरा के रूप
पूर्व सहयोगी और उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में सेल्वारागवन हैं। उमर सेफ के रूप में अंकुर विकल मॉल हाईजेक समूह का नेता है और उमर फारूक का भाई है। शाजी चेन गृह मंत्री के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के डेवलपमेंट के बारे में तो जनवरी 2020 में मास्टर 2021 में निर्माण के दौरान विजय ने कथित तौर पर कलानिधि मारन की सन पिक्चर्स द्वारा समर्थित अपनी अगली परियोजना के लिए हस्ताक्षर किए, जिसमें वेटाईकरण 2009, सूरा 2010 और सरकार 2018 के बाद उनके साथ सहयोग किया, जबकि मागीज थिरुमेनी एस शंकर सुधा कोंगाराम पंडीराज आर अजय न्यानमुदु और वेलिमारन को शुरू में फिल्म का निर्देशन करने की सूचना मिली थी। मार्च 2020 में एक सूत्र ने दावा किया कि ए आर मुरुगदासन ने विजय को अस्थायी रूप से थलापति 65 शीर्षक से निर्देशित करने की योजना बनाई थी। इस परियोजना के अप्रैल 2020 के अंत तक उत्पादन में प्रवेश करने की सूचना थी, जो नहीं हुआ। इस थमन को मई 2020 में संगीत तैयार करने के लिए अंतिम रूप दिया गया था, जो विजय के साथ उनका पहला सहयोग होगा। वही बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो 10 फरवरी 2021 को चेन्नई में सन टीवी नेटवर्क के कार्यालय में थलापति 65 का एक परीक्षण शूट आयोजित किया गया था। 31 मार्च 2021 को फिल्म को औपचारिक पूजा समारोह के साथ सन टीवी स्टूडियोज में लॉन्च किया गया था। हालांकि पूजा हेगड़े अपने व्यस्त कार्यक्रम के कारण लॉन्च के समय उपस्थित नहीं थी। 2021 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के बाद विजय और नेल्सन 7 अप्रैल 2021 को फिल्म की शूटिंग शेड्यूल के लिए जॉर्जिया गए थे। वही बात करें मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो 150 करोड़ के उत्पादन बजट के मुकाबले मूवी ने 250 करोड़ की कमाई की है। वही बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में तो बीस्ट को आलोचकों से विस्तृत समीक्षा मिली है। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटेन टोमेटोज पर 8 आलोचक की समीक्षकों के आधार पर फिल्म को 4.9 out of 10 के औसत स्कोर के साथ 38% की अनुमोदन रेटिंग मिली है। द किट कोई सौंदर्य अतिमुतु ने कहा कि बीस्ट न तो नेल्सन की फिल्म है और न ही विजय की फिल्म है। यह अच्छा है, लेकिन सबसे अच्छा संयोजन नहीं है। जहां नेल्सन विजय प्रशंसकों को अधिक संतुष्ट करने की कोशिश करता है और विजय नेल्सन की अजीब दुनिया में फिट होने की कोशिश करते हैं। वही बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो बीस्ट 13 अप्रैल 2022 को पुतंडू वाले सप्ताह में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। तमिल के अलावा फिल्म के हिंदी तेलुगु मलयालम और कन्नड़ में डब संस्करण थे। तमिलनाडु के वितरण अधिकार रेड जायंट मूवीज के पास है। तेलुगु संस्करण श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस सुरेश प्रोडक्शन और एशियन सिनेमास द्वारा वितरित किया जाता है। मलयालम संस्करण मैजिक फ्रेंड्स द्वारा, कन्नड़ संस्करण अधीरज एंटरप्राइजेस द्वारा और हिंदी संस्करण एफओ मूवीज द्वारा वितरित किए जाते हैं। बात करें मूवी के होममेडिया के बारे में तो बीस्ट को 11 मई 2022 को सन NXT और नेटफ्लिक्स दोनों में तमिल में हिंदी तेलुगु मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में डब संस्करणों के साथ स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध कराया गया था। बीस्ट एक 2022 की
भारतीय तमिल भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्में जो नेल्सन द्वारा लिखित और निर्देशित है। फिल्म में विजय, पूजा हेगड़े और सेल्वरागवन हैं। यह एक पूर्व रॉ एजेंट के इर्द गिर्द घूमती है जो आतंकवादियों द्वारा एक शॉपिंग मॉल में बंधक बनाए गए लोगों को छुड़ाना चाहता है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो विजय वीरा राघवन के रूप में जो एक पूर्व रॉ फील्ड ऑपरेटिव है, पूजा हेगड़े प्रीति के रूप में वीरा की प्रेमिका और रामचंद्रन की पूर्व मंगेतर है, अल्ताफ हुसैन वीरा के रूप पूर्व सहयोगी और उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में सेल्वा राघवन है, उमर सेफ के रूप में अंकुर विकल मॉल हाईजेक समूह का नेता है और उमर फारूक का भाई, शाजी चेन गृह मंत्री के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के डेवलपमेंट के बारे में तो जनवरी 2020 में मास्टर 2021 में निर्माण के दौरान विजय ने कथित तौर पर कलानिधि मारन की सन पिक्चर्स द्वारा समर्थित अपनी अगली परियोजना के लिए हस्ताक्षर किए, जिसमें वेटाईकरण 2009, सूरा 2010 और सरकार 2018 के बाद उनके साथ सहयोग किया, जबकि मागीज थिरुमेनी एस शंकर सुधा कोंगाराम पंडीराज आर अजय न्यानमुदु और वेलिमारन को शुरू में फिल्म का निर्देशन करने की सूचना मिली थी। मार्च 2020 में एक सूत्र ने दावा किया कि ए आर मुरुगदासन ने विजय को अस्थायी रूप से थलापति 65 शीर्षक से निर्देशित करने की योजना बनाई थी। इस परियोजना के अप्रैल 2020 के अंत तक उत्पादन में प्रवेश करने की सूचना थी जो नहीं हुआ। इस थमन को मई 2020 में संगीत तैयार करने के लिए अंतिम रूप दिया गया था जो विजय के साथ उनका पहला सहयोग होगा। वही बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो 10 फरवरी 2021 को चेन्नई में सन टीवी नेटवर्क के कार्यालय में थलापति 65 का एक परीक्षण शूट आयोजित किया गया था। 31 मार्च 2021 को फिल्म को औपचारिक पूजा समारोह के साथ सन टीवी स्टूडियोज में लॉन्च किया गया था। हालांकि पूजा हेगड़े अपने व्यस्त कार्यक्रम के कारण लॉन्च के समय उपस्थित नहीं थी। 2021 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के बाद विजय और नेल्सन 7 अप्रैल 2021 को फिल्म की शूटिंग शेड्यूल के लिए जॉर्जिया गए थे। वही बात करें मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो 150 करोड़ के उत्पादन बजट के मुकाबले मूवी ने 250 करोड़ की कमाई की है। वही बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज़ के बारे में तो बीस्ट को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली है। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटेन टोमेटोज पर 8 आलोचक की समीक्षकों के आधार पर फिल्म को 4.9 out of 10 के औसत स्कोर के साथ 38% की अनुमोदन रेटिंग मिली है। द किट कोई सौंदर्य अतिमुतु ने कहा कि बिस्ट न तो नेल्सन की फिल्म है और न ही विजय की फिल्म है, यह अच्छा है लेकिन सबसे अच्छा संयोजन नहीं है। जहां नेल्सन विजय प्रशंसकों को अधिक संतुष्ट करने की कोशिश करता है और विजय नेल्सन की अजीब दुनिया में फिट होने की कोशिश करते हैं। वही बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो बीस्ट 13 अप्रैल 2022 को पुतंडू वाले सप्ताह में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। तमिल के अलावा फिल्म के हिंदी, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में डब संस्करण थे। तमिलनाडु के वितरण अधिकार रेड जायंट मूवीज के पास है। तेलुगु संस्करण श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस, सुरेश प्रोडक्शन और
एशियन सिनेमास द्वारा वितरित किया जाता है। मलयालम संस्करण मैजिक फ्रेंड्स द्वारा, कन्नड़ संस्करण अधीरज एंटरप्राइजेस द्वारा और हिंदी संस्करण एफओ मूवीज द्वारा वितरित किए जाते हैं। बात करें मूवी के होममेडिया के बारे में तो बीस्ट को 11 मई 2022 को सन NXT और नेटफ्लिक्स दोनों में तमिल में, हिंदी, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में डब संस्करणों के साथ स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध कराया गया था। बीस्ट एक 2022 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो नेल्सन द्वारा लिखित और निर्देशित है। फिल्म में विजय, पूजा हेगड़े और सेल्वरागवन हैं। यह एक पूर्व रॉ एजेंट के इर्द गिर्द घूमती है जो आतंकवादियों द्वारा एक शॉपिंग मॉल में बंधक बनाए गए लोगों को छुड़ाना चाहता है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो विजय वीरा राघवन के रूप में जो एक पूर्व रॉ फील्ड ऑपरेटिव है, पूजा हेगड़े प्रीति के रूप में वीरा की प्रेमिका और रामचंद्रन की पूर्व मंगेतर है, अल्ताफ हुसैन वीरा के रूप पूर्व सहयोगी और उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में सेल्वारागवन है, उमर सेफ के रूप में अंकुर विकल मॉल हाईजेक समूह का नेता है और उमर फारूक का भाई, शाजी चेन गृह मंत्री के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के डेवलपमेंट के बारे में तो जनवरी 2020 में मास्टर 2021 में निर्माण के दौरान विजय ने कथित तौर पर कलानिधि मारन की सन पिक्चर्स द्वारा समर्थित अपनी अगली परियोजना के लिए हस्ताक्षर किए जिसमें वेटाईकरण 2009, सूरा 2010 और सरकार 2018 के बाद उनके साथ सहयोग किया, जबकि मागीज थिरुमेनी एस शंकर सुधा कोंगाराम पंडीराज आर अजय न्यानमुदु और वेलिमारन को शुरू में फिल्म का निर्देशन करने की सूचना मिली थी। मार्च 2020 में एक सूत्र ने दावा किया कि A.R. मुरुगदासन ने विजय को अस्थायी रूप से थलापति 65 शीर्षक से निर्देशित करने की योजना बनाई थी। इस परियोजना के अप्रैल 2020 के अंत तक उत्पादन में प्रवेश करने की सूचना थी जो नहीं हुआ। इस थमन को मई 2020 में संगीत तैयार करने के लिए अंतिम रूप दिया गया था जो विजय के साथ उनका पहला सहयोग होगा। वही बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो 10 फरवरी 2021 को चेन्नई में सन टीवी नेटवर्क के कार्यालय में थलापति 65 का एक परीक्षण शूट आयोजित किया गया था। 31 मार्च 2021 को फिल्म को औपचारिक पूजा समारोह के साथ सन टीवी स्टूडियोज में लॉन्च किया गया था। हालांकि पूजा हेगड़े अपने व्यस्त कार्यक्रम के कारण लॉन्च के समय उपस्थित नहीं थी। 2021 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के बाद विजय और नेल्सन 7 अप्रैल 2021 को फिल्म की शूटिंग शेड्यूल के लिए जॉर्जिया गए थे। वही बात करें मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो 150 करोड़ के उत्पादन बजट के मुकाबले मूवी ने 250 करोड़ की कमाई की है। वही बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में तो बीस्ट को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली है। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटेन टोमेटोज पर 8 आलोचक की समीक्षकों के आधार पर फिल्म को 4.9 out of 10 के औसत स्कोर के साथ 38% की अनुमोदन रेटिंग मिली है। द किट कोई सौंदर्य अतिमुतु ने कहा कि बीस्ट न तो नेल्सन की फिल्म है और न ही विजय की फिल्म है, यह अच्छा है लेकिन सबसे अच्छा संयोजन नहीं है। जहां नेल्सन विजय प्रशंसकों को
अधिक संतुष्ट करने की कोशिश करता है और विजय नेल्सन की अजीब दुनिया में फिट होने की कोशिश करते हैं। वही बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में, तो बीस्ट 13 अप्रैल 2022 को पुथंडू वाले सप्ताह में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। तमिल के अलावा फिल्म के हिंदी, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में डब संस्करण थे। तमिलनाडु के वितरण अधिकार रेड जायंट मूवीज के पास है। तेलुगु संस्करण श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस, सुरेश प्रोडक्शन और एशियन सिनेमास द्वारा वितरित किया जाता है। मलयालम संस्करण मैजिक फ्रेंड्स द्वारा, कन्नड़ संस्करण अधीरज इंटरप्राइजेस द्वारा और हिंदी संस्करण एफओ मूवीज द्वारा वितरित किए जाते हैं। बात करें मूवी के होममेडिया के बारे में, तो बीस्ट को 11 मई 2022 को सन NXT और नेटफ्लिक्स दोनों में तमिल में, हिंदी, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में डब संस्करणों के साथ स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध कराया गया था। बीस्ट एक 2022 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो नेल्सन द्वारा लिखित और निर्देशित है। फिल्म में विजय, पूजा हेगड़े और सेल्वरागवन हैं। यह एक पूर्व रॉ एजेंट के इर्द गिर्द घूमती है जो आतंकवादियों द्वारा एक शॉपिंग मॉल में बंधक बनाए गए लोगों को छुड़ाना चाहता है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो विजय वीरा राघवन के रूप में जो एक पूर्व रॉ फील्ड ऑपरेटिव है, पूजा हेगड़े प्रीति के रूप में वीरा की प्रेमिका और रामचंद्रन की पूर्व मंगेतर है, अल्ताफ हुसैन वीरा के रूप पूर्व सहयोगी और उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में सेल्वा राघवन है, उमर सेफ के रूप में अंकुर विकल मॉल हाईजेक समूह का नेता है और उमर फारूक का भाई, शाजी चेन गृह मंत्री के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के डेवलपमेंट के बारे में, तो जनवरी 2020 में मास्टर 2021 में निर्माण के दौरान विजय ने कथित तौर पर कलानिधि मारन की सन पिक्चर्स द्वारा समर्थित अपनी अगली परियोजना के लिए हस्ताक्षर किए, जिसमें वेटाईकरण 2009, सूरा 2010 और सरकार 2018 के बाद उनके साथ सहयोग किया, जबकि मागीज थिरुमेनी, एस शंकर, सुधा कोंगाराम, पंडीराज आर, अजय न्यानमुदु और वेलिमारन को शुरू में फिल्म का निर्देशन करने की सूचना मिली थी। मार्च 2020 में एक सूत्र ने दावा किया कि ए आर मुरुगदासन ने विजय को अस्थायी रूप से थलापति 65 शीर्षक से निर्देशित करने की योजना बनाई थी। इस परियोजना के अप्रैल 2020 के अंत तक उत्पादन में प्रवेश करने की सूचना थी जो नहीं हुआ। इस थमन को मई 2020 में संगीत तैयार करने के लिए अंतिम रूप दिया गया था जो विजय के साथ उनका पहला सहयोग होगा। वही बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में, तो 10 फरवरी 2021 को चेन्नई में सन टीवी नेटवर्क के कार्यालय में थलापति 65 का एक परीक्षण शूट आयोजित किया गया था। 31 मार्च 2021 को फिल्म को औपचारिक पूजा समारोह के साथ सन टीवी स्टूडियोज में लॉन्च किया गया था। हालांकि पूजा हेगड़े अपने व्यस्त कार्यक्रम के कारण लॉन्च के समय उपस्थित नहीं थी। 2021 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के बाद विजय और नेल्सन 7 अप्रैल 2021 को फिल्म की शूटिंग शेड्यूल के लिए जॉर्जिया गए थे। वही बात करें मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो 150 करोड़ के उत्पादन बजट के मुकाबले मूवी ने 250 करोड़ की कमाई की है। वही बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज़ के बारे में, तो
बीस्ट को आल जगह से समीक्षा मिश्रित समीक्षा मिली है। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटेन टोमेटोज पर आठ आलोचक की समीक्षकों के आधार पर फिल्म को 4.9 आउट ऑफ 10 के औसत स्कोर के साथ 38% की अनुमोदन रेटिंग मिली है। द स्किन द किट कोई सौंदर्य अतिमुतु ने कहा कि बीस्ट न तो नेल्सन की फिल्म है और न ही विजय की फिल्म है। यह अच्छा है लेकिन सबसे अच्छा संयोजन नहीं है। जहां नेल्सन विजय प्रशंसकों को अधिक संतुष्ट करने की कोशिश करता है और विजय नेल्सन की अजीब दुनिया में फिट होने की कोशिश करते हैं। वही बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो बीस्ट 13 अप्रैल 2022 को पुतंडू वाले सप्ताह में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। तमिल के अलावा फिल्म के हिंदी तेलुगु मलयालम और कन्नड़ में डब संस्करण थे। तमिलनाडु के वितरण अधिकार रेड जायंट मूवीज के पास है। तेलुगु संस्करण श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस सुरेश प्रोडक्शन और एशियन सिनेमास द्वारा वितरित किया जाता है। मलयालम संस्करण मैजिक फ्रेंड्स द्वारा कन्नड़ संस्करण अधीरज एंटरप्राइजेस द्वारा और हिंदी संस्करण एफओ मूवीज द्वारा वितरित किए जाते हैं। बात करें मूवी के होममेडिया के बारे में तो बीस्ट को 11 मई 2022 को सन NXT और नेटफ्लिक्स दोनों में तमिल में हिंदी तेलुगु मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में डब संस्करणों के साथ स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध कराया गया था। बीस्ट एक 2022 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो नेल्सन द्वारा लिखित और निर्देशित है। फिल्म में विजय पूजा हेगड़े और सेल्वरागवन हैं। यह एक पूर्व रॉ एजेंट के इर्द गिर्द घूमती है जो आतंकवादियों द्वारा एक शॉपिंग मॉल में बंधक बनाए गए लोगों को छुड़ाना चाहता है। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो विजय वीरा राघवन के रूप में जो एक पूर्व रॉ फील्ड ऑपरेटिव है। पूजा हेगड़े प्रीति के रूप में वीरा की प्रेमिका और रामचंद्रन की पूर्व मंगेतर है। अल्ताफ हुसैन वीरा के रूप पूर्व सहयोगी और उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में सेल्वरागवन है। उमर सेफ के रूप में अंकुर विकल मॉल हाईजेक समूह का नेता है और उमर फारूक का भाई है। शाजी चेन गृह मंत्री के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के डेवलपमेंट के बारे में तो जनवरी 2020 में मास्टर 2021 में निर्माण के दौरान विजय ने कथित तौर पर कलानिधि मारन की सन पिक्चर्स द्वारा समर्थित अपनी अगली परियोजना के लिए हस्ताक्षर किए जिसमें वेटाईकरण 2009 सूरा 2010 और सरकार 2018 के बाद उनके साथ सहयोग किया जबकि मागीज थिरुमेनी एस शंकर सुधा कोंगाराम पंडीराज आर अजय न्यानमुदु और वेलिमारन को शुरू में फिल्म का निर्देशन करने की सूचना मिली थी। मार्च 2020 में एक सूत्र ने दावा किया कि ए आर मुरुगदासन ने विजय को अस्थायी रूप से थलापति 65 शीर्षक से निर्देशित करने की योजना बनाई थी। इस परियोजना के अप्रैल 2020 के अंत तक उत्पादन में प्रवेश करने की सूचना थी जो नहीं हुआ। इस थमन को मई 2020 में संगीत तैयार करने के लिए अंतिम रूप दिया गया था जो विजय के साथ उनका पहला सहयोग होगा। वही बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो 10 फरवरी 2021 को चेन्नई में सन टीवी नेटवर्क के कार्यालय में थलापति 65 का एक परीक्षण शूट आयोजित किया गया था। 31 मार्च 2021 को
फिल्म को औपचारिक पूजा समारोह के साथ सन टीवी स्टूडियोज में लॉन्च किया गया था। हालांकि पूजा हेगड़े अपने व्यस्त कार्यक्रम के कारण लॉन्च के समय उपस्थित नहीं थी। 2021 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के बाद विजय और नेल्सन 7 अप्रैल 2021 को फिल्म की शूटिंग शेड्यूल के लिए जॉर्जिया गए थे। वही बात करें मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो 150 करोड़ के उत्पादन बजट के मुकाबले मूवी ने 250 करोड़ की कमाई की है। वही बात करें मूवी के ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में तो बीस्ट को आलोचकों से विस्तृत समीक्षा मिली है। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटेन टोमेटोज पर 8 आलोचक की समीक्षकों के आधार पर फिल्म को 4.9 out of 10 के औसत स्कोर के साथ 38% की अनुमोदन रेटिंग मिली है। द किट कोई सौंदर्य अतिमुतु ने कहा कि बीस्ट न तो नेल्सन की फिल्म है और न ही विजय की फिल्म है। यह अच्छा है लेकिन सबसे अच्छा संयोजन नहीं है। जहां नेल्सन विजय प्रशंसकों को अधिक संतुष्ट करने की कोशिश करता है और विजय नेल्सन की अजीब दुनिया में फिट होने की कोशिश करते हैं। वही बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो बीस्ट 13 अप्रैल 2022 को पुतंडू वाले सप्ताह में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। तमिल के अलावा फिल्म के हिंदी, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में डब संस्करण थे। तमिलनाडु के वितरण अधिकार रेड जायंट मूवीज के पास है। तेलुगु संस्करण श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस, सुरेश प्रोडक्शन और एशियन सिनेमास द्वारा वितरित किया जाता है। मलयालम संस्करण मैजिक फ्रेंड्स द्वारा, कन्नड़ संस्करण अधीरज एंटरप्राइजेस द्वारा और हिंदी संस्करण एफओ मूवीज द्वारा वितरित किए जाते हैं। बात करें मूवी के होममेडिया के बारे में तो बीस्ट को 11 मई 2022 को सन NXT और नेटफ्लिक्स दोनों में तमिल में हिंदी, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में डब संस्करणों के साथ स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध कराया गया था। इस तरह की वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।